आज का लिंक कहाँ है यूट्यूब पर? बेटा अभी मैं क्लास में हूँ ना, बाद में बात करता हूँ, ठीक? सेमिनार है मेरा, ठीक? कितने लोग आ गए एक बार देखा ना उस पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। निशा चौहान, चंद्रभान, सुभा मोहेदास हैं, प्रिंस साहनी, आईएएस रत्नेश कुमार, सुबोध कुमार, अनिरुद्ध सिंघा, सर्वेश ब्लॉगर, अलीशा। अच्छा, कुछ मेरे बच्चे भी आए लगता है ना। प्रमिला, चंद्रभान धोबी, अच्छा तो पहले भी सेमिनार में थे चंद्रभान, याद आ रहा है। मनीषा यादव, अरे गगनदीप बाबू आप भी हो के, सुबोध कुमार, मोनू सोनकर के, शकीबा खातून, वाओ रिद्धमा, दीपक, देखो भाई बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, यतेंद्र भी है मन, हाँ लेकिन आप चिंता मत करना। अजमल, अजय सक्सेना, दीपक आईएएस, मनीषा, महेंद्र, हाँ बायोग्राफिकल क्या नाम है भाई, अभिषेक हैं, हबीबा, जया, अजमल हैं, केशव, आशीष, बहुत सारे बच्चे कहते थे सर मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए मैं सबका नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो राजू हैं, मंजीत, महेश, शरणा, साक्षी, आशीष त्रिपाठी, एस टू शॉर्ट वीडियो, युवराज, सिकंदर सरोज, सिकंदर सरोज तुम भी हो, ओके, विनय, अनमोल, महेश तिवारी। तो ये भाइयों हम सभी लोग यहाँ पे एक बड़े ही चैलेंजिंग सी सिचुएशन के लिए हैं, है ना? आवाज तो आ रही है ना, वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, सभी को आवाज मेरी आ रही है ना बच्चों? हाँ आवाज आ रही है ना बच्चों, ठीक है ना, डन, ओके ओके। देखिए ये जो आज का सेमिनार है ये कितना चैलेंजिंग होगा एक इंस्टीट्यूट चलाने वाले के, खुद ही सोचो आप जरा हैं। मैं आज आपको ये गाइड करने जा रहा हूं कि हाउ टू बिकम एन आईएएस टॉपर विदाउट कोचिंग, आप जरा सोचो कि ये कितना बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि मैं एक कोचिंग चलाता हूँ, हाँ आपको पता होगा मुखर्जी नगर में, और ये मैं सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कोचिंग क्यों चलती है? कोचिंग चलती है क्योंकि सब लोग वो काम नहीं कर सकते, और इसलिए कोचिंग चलती है क्योंकि सबके अंदर एक जैसी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों को जो मेथड सिखाऊंगा उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कोचिंग करना चाहिए या कोचिंग नहीं करना चाहिए, वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो आज का जो सेशन है ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, आपके लिए नहीं, क्योंकि आपका तो पूरा बेनिफिट है, हमारा तो बिजनेस दांव पे लगा हुआ है इस पे, है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं दोनों को मिश्रित करते हुए किस तरीके से हम लोग चल सकते हैं। एक बार ध्यान से बताएंगे मीडियम सारे लोग, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले, है ना? हिंदी मीडियम वाला लिख देगा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाला लिख देगा इंग्लिश मीडियम, देखते हैं कितने लोग हैं जो दोनों मीडियम से, बच्चों प्लीज कितने लोग हैं लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश लिख देगा, हिंदी मीडियम वाला हिंदी लिख देगा, बिकॉज दिस इज बाइलिंगुअल, आई हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, राइट? सो आप लोग प्लीज उसको चेक करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हैं, हिंदी मीडियम वाले कितने लोग हैं, बिकॉज दिस इज बाइलिंगुअल सेमिनार, राइट? सो बोथ पर्सन शुड बी हैप्पी, दोनों लोग खुश होने चाहिए, हाँ ओके, हिंदी ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, ओके फाइन 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 फाइन, हिंदी हिंदी हिंदी, हाँ इंग्लिश इंग्लिश, ओके ओके, दोनों मीडियम वाले हैं, फाइन, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके फाइन। तो देखो ये जो सेशन है ये क्यों हम कर रहे हैं वो मैं बता दूं, व्हाई वी आर हियर, हम यहां पे क्यों हैं, हाउ टू बिकम एन आईएएस टॉपर विदाउट कोचिंग। देखो ये चीज, ये असंभव सी बात मैं करने यहां नहीं आया, मैं एक ऐसी चीज बताने आया हूं जो शायद 99% लोग, जो हमारे बच्चे हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, जो लोग दूर नहीं जा पाते, जिनके पास कोचिंग नहीं होती है, उनको भी बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। दूसरी चीज, जो लोग कोचिंग करना चाहते हैं उनको भी बहुत सारा फायदा मिलने वाला, क्यों? क्योंकि कोचिंग चाहे करो चाहे ना करो, आज की अगर जो चीज मैं बता रहा हूं आपने फॉलो नहीं किया तो भाई चाहे कोचिंग करोगे और चाहे कोचिंग नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं। अगर इसको फॉलो किया तो चाहे कोचिंग करो या ना करो सिलेक्शन पक्का होगा। ये डिफरेंट है, ये वो चीजें हैं जो मैं एक्चुअली कराता हूं, ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली मेरा रिसर्च है पिछले 22 सालों का। मेरे बच्चों मैंने भी खूब तैयारी की, मैंने भी दो बार इंटरव्यू फेस किया, मेरे अंडर में सैकड़ों लोग आईएएस बने, सैकड़ों लोग फेल हुए, ये सब वो रिसर्च पेपर है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, यहां पे हम आज आए हैं तो हमको जो मिलने वाला है वो क्या है, हमको ये मिलने वाली है स्ट्रेटजी। मैं आज आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके कोई भी इंसान आईएएस बन सकता है। अच्छा, सभी लोग उम्मीद करते हैं ना कि बहुत ही बेसिक शुरू को, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए अगर आईएएस की प्रिपरेशन करना शुरू, सबसे पहला पॉइंट मतलब स्टार्टिंग से नंबर वन, कहां से मैं शुरू करूं, यही सब चाहते हैं कि नहीं चाहते, बोलो, यही चाहते हैं ना। मैं आज वहीं से शुरू करूंगा और आज मैं आपको हर एक स्टेज बताऊंगा, हर एक स्टेज जो आप उम्मीद करते हो वो सब बताऊंगा। लेकिन याद रखना, आप लोग डायरी लेके जरूर बैठे, डायरी लेके बैठेंगे, ठीक है ना, सभी लोग डायरी में वो पॉइंट्स नोट करेंगे। मैं आपको आज एक चैलेंज दे रहा हूं, ये जितने भी पॉइंट है, आप जब अगर तैयारी कर रहे होंगे या आप तैयारी करने जा रहे हो, जो तैयारी कर रहा होगा वो तो बिल्कुल फील करेगा, लेकिन जो तैयारी करने जा रहा है वो आगे फील करने वाला है हर एक पॉइंट, हर एक डिफिकल्टी। मैं आज आपको चैलेंज बताऊंगा कि क्या एक तैयारी करने वाला फेस करता है अपने जीवन में, जो कोई बंदा नहीं बता रहा है, क्यों? क्योंकि लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं चूंकि ट्रेनर हूं, मैं बच्चे को अपने अंडर में निगरानी में रख के पर्सनली ट्रेन करता हूं, इसलिए आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद एक्चुअली जब तक कोई पर्सनली ट्रेन न करे तो बता ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक एक बच्चे से हैंडल करते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इज इट पॉसिबल टू क्रैक यूपीएससी विदाउट कोचिंग, क्या बिना कोचिंग के यूपीएससी क्वालिफाई किया जा सकता है? जवाब आपको पता है, यस, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, 100% श्योरिटी के साथ किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि सांच को आज क्या, ये सबसे पहला एग्जांपल है अनु कुमारी का, आपको पता ही होगा, रैंक टू। अनु कुमारी 2017 में बिना कोचिंग के सबने इंटरव्यू पढ़ा होगा ना भाई, क्वालिफाई किया कि नहीं किया? तो अगर अनु कुमारी कर सकती है तो आप कौन से काने हो भाई, हैं? आप तो नहीं हो ना, आपके आपके साथ काय को दुर्भाव करेगी यूपीएससी? अगर ये कर सकती है विदाउट कोचिंग तो आप भी कर सकते हो। दूसरा बंदा ये है, देखो ये देखो, गंधर्व राठौर, ये लड़की 93 लेके आई विदाउट एनी कोचिंग, ये कर सकती है तो भाई आप काय को नहीं कर सकते, हैं? मैं 3-4 एग्जांपल ही देता हूं ताकि आप क्लियर समझ जाओ कि यार अकेला बंदा कोई नहीं है इस धरती पे। तीसरा बंदा लिख लेते हैं, ये देखो प्रियांक किशोर, रैंक 274, फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के अगर ये सेलेक्ट हो सकता है तो तुम क्यों नहीं हो सकते? क्यों भाई, हो सकते ही नहीं हो सकते? तो चलिए एक और दिखा देते हैं आपको, ये लड़की रुक्मणी रियार, रैंक 2, ये सेकेंड रैंक लेके आ चुकी है विदाउट एनी कोचिंग। और इसके बारे में आपको एक बात बताऊं कि ये 6th क्लास में फेल होने के बाद, 6th क्लास में ये बच्ची डिप्रेशन में चली गई थी, और डिप्रेशन में जाने के बाद ये उबर के वहां से निकल के आती है और फिर उसके बाद कभी नहीं रुकती है, क्योंकि इसने
अपने आप को जिम्मेदार ठहराया, दूसरे को नहीं। जब तक ये दूसरे को जिम्मेदार ठहराती रही, ये डिप्रेशन में गई। लेकिन जिस दिन से इसने बोला कि नहीं, गलती मेरी है और मैं गलती सुधारूंगी, उस दिन से कभी ये फेल नहीं हुई मेरे बच्चों। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये विदाउट कोचिंग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। अगर ये IAS बिना कोचिंग के बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। बिना कोचिंग का मतलब होता है कि बिना किसी इंस्टीट्यूट में गए, क्लास में बैठे, एडमिशन लिए, इन्होंने तैयारी की और ये सेलेक्ट हुए। मेरे बच्चों तो तैयार हो जाओ। ये रुक्मणी रिया रैंक 2 अगर कर सकती है, इसकी ऑफिस में बैठ के आप देख सकते हैं, तो क्यों नहीं आप। तो क्या वो चैलेंज है जो आपको सेलेक्ट नहीं होने देता। वॉट इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, सबसे पहला स्टेप। मैं अपना रिसर्च बताऊं, बोलो तैयार हो सभी लोग, मैं अपना रिसर्च बताऊं, अपने एक एक बच्चे पर जो एनालिसिस की है वो बताऊं। ध्यान से सुनो, ये एक ऐसी चीज है, किसी भी बच्चे को यह क्लियर हो जाए, ये रिसर्च मेरा पर्सनल है मेरे बच्चों, अगर किसी को यह क्लियर हो जाए जो चैलेंज मैं बताने जा रहा हूं, आप विश्वास करो। इसलिए डायरी बोला, डायरी लेके बैठना, डायरी नोट करना मेरे बच्चों, क्योंकि अगर आपने डायरी में नोट नहीं किया तो आप समझ नहीं पाओगे। आप कुछ कैटेगरीज में बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना, 4 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, इधर ध्यान सुनो। मेरे रिसर्च के दौरान, मेरे एनालिसिस के दौरान, मेरी ट्रेनिंग के दौरान जो मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं, मुझे 4 तरीके के स्टूडेंट्स मिले। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप देखो कौन से स्टूडेंट आप हो। 4 तरीके के स्टूडेंट हैं। कैसे मैंने डिसाइड किया, कैसे मैंने उनका कुछ क्राइटेरिया रखा, कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन से मानदंड है। 2 मानदंड है, पहला इंटेलिजेंस और दूसरा स्टेबिलिटी। पहला, ध्यान से सुनो, इंटेलिजेंस और दूसरा है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। इंटेलिजेंस का मतलब होता है आप कितने इंटेलिजेंट हो, मतलब आप टॉपिक को कितनी जल्दी से ग्रैप कर लेते हो, समझ लेते हो, आप कितने मेहनती हो, ये सब इंटेलिजेंस है, राइट। आप पूरी ताकत से, आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं फट से समझ लेते हो, कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है आप बहुत देर में समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंस एक का तेज है, दूसरे का थोड़ा सा वीक है। और दूसरा क्राइटेरिया स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब आप कोई निर्णय लेते हो तो कितने समय तक आप उस पर टिके रहते हो। एक बार जब कमिटमेंट करते हो तो आप कितने समय तक टिके रहते हो, एक बार जब आप वादा करते हो तो कितने समय तक आप रेगुलरली उसको कर पाते हो। बच्चों मेरे बात ध्यान से सुनना, भगवान ने बड़ा ही संतुलन बना रखा है, बड़ा ही संतुलन। और ये मेरे जीवन का एक ऐसा रिसर्च है ना जो लगभग 100% आज तक सक्सेसफुल हुआ। जब भी मैंने डिसाइड किया, मैं पहले ही जान जाता हूं अगर बच्चा इंटेलिजेंट है जबरदस्त, मैं उसको जान जाता हूं कि भगवान ने इसका कुछ तो लोचा किया होगा, कुछ तो लोचा जरूर किया होगा। ध्यान रखना है मेरे बच्चों, आज मैं आपको इन दोनों के आधार पे 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स में बांट रहा हूं, और वो कैटेगरी आप मैच करोगे अपने आप से। ये मैं आपको बोल रहा हूं, 4 कैटेगरी की अपनी खास बातें हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और वही डिसाइड करता है कि आप IAS बनोगे कि नहीं बनोगे। मेरे बच्चों एक बात और ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब भाग्य। मैं बहुत बार रिसर्च किया, भाग्य जैसी कोई चीज है, और तब लास्ट में मुझे एक रहस्य पता चला। वो रहस्य नहीं, रिसर्च के दौरान ही पता चला कि जब भगवान पैदा करता है आपको ना, तो आपके सॉफ्टवेयर में कुछ डाल देता है, और वहीं से आपकी जो पर्सनालिटी है वो डिसाइड करती है कि आप क्या करने वाले हो जिंदगी में। और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आज समझ में आ गई तो आज आपको मैं एक्शन प्लान तैयार करके दूंगा कि आज आप सेलेक्ट कैसे हो सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे बच्चों ये कुछ कोचिंग टोचिंग से कोई इसका रिलेशन नहीं है,
इसका रिलेशन सिर्फ आपसे है, आपसे। और देखो चलो कैटेगरी वन, टाइप वन, टाइप वन ध्यान से सुनना, ऐसा बच्चा जिसके पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस होता है, स्ट्रॉन्ग बट वीक स्टेबिलिटी। याद रखना मेरे बच्चों, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर ने बैलेंस रखने के लिए क्या किया। अगर मेरा रिसर्च है, जिस बच्चा को मैंने देखा ओवर इंटेलिजेंट, मतलब वो आएगा और चीर के रख देगा, इतना इंटेलिजेंस है, किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूं यू ग्रेस्प कर जाता है, मैं जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं फटाफट ले लेता है, मैं खुश हो जाता हूं, मैं सोचता हूं अगर ये बच्चा मेरे को मिल गया तो यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चीर देगा ये मेरा बच्चा। लेकिन फिर भगवान तो कभी भी वो करता ही नहीं है काम, भगवान क्या करेगा, वीक स्टेबिलिटी कर देगा। ये खूब इंटेलिजेंट, ध्यान से सुनना, मैं जब जो सोचता हूं अब रिसर्च, इतने रिसर्च के बाद मैं क्या सोचता हूं कि जब भी कोई बच्चा खूब इंटेलिजेंट मुझे मिलता है, खूब इंटेलिजेंट मुझे मिलता है, तो मैं उसको फट से अवेयर करता हूं, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, तुम्हारा दिमाग स्टेबिलिटी इशू हो सकती है। ये बच्चा अच्छा खासा काम कर रहा होगा मेरे अंडर में, ध्यान से सुनना, सारा काम दे रहा हूं कर रहा है फटाफट 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है, सारी चीजें ग्रैप्स कर रहा है, आंसर राइटिंग कर रहा है, एक दिन सडनली वो मुझे मैसेज करेगा, सर मुझे ऐसा लगता है मेरे से यूपीएससी नहीं होगा, आई एम सॉरी सर मैं तैयारी छोड़ रहा हूं। मैं उसको बोलता हूं हुआ क्या, बोला सर बस पता नहीं सर मुझे ऐसा लगता है मेरे बस की नहीं है। क्या हुआ, ये जो इंटेलिजेंट बच्चा था जिसे लग रहा था चीर के रख देगा, अचानक के वीक पड़ गया मेरे बच्चों, अचानक के वीक पड़ गया। आप दूसरी कैटेगरी देखो, दूसरी कैटेगरी ऐसा है जिसके पास वीक इंटेलिजेंस है, वीक इंटेलिजेंस है लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफी देर में समझते हैं, बोलो बच्चों काफी देर में समझते हैं ना टॉपिक को, लेकिन उनको बुरा लगता है, क्लास में बैठे हुए हैं उनको टॉपिक थोड़ा सा लेट समझ में आता है, बाकी लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन उस बच्चे में स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मतलब वो दृढ़ प्रतिज्ञ है, वो सीखेगा, वो बैठा रहता है 10-10 घंटे, वो बैठा रहता है सीखने के लिए। इस बच्चे की जो स्टेबिलिटी है ना मेरे बच्चों, उसकी मैं रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इसका इंटेलिजेंस थोड़ा सा वीक है, इंटेलिजेंस थोड़ा सा वीक है। ये बच्चा मैं आईएएस बता रहा हूं बनने की सारे क्राइटेरिया रखता है, इंटेलिजेंस वीक होगा नो डाउट, लेकिन पर्सनालिटी जबरदस्त होनी चाहिए मेरे बच्चों, स्टेबिलिटी जबरदस्त होनी चाहिए। ये दूसरी कैटेगरी का बच्चा है जिसकी संभावनाएं हैं कि वो आईएएस बनेगा। तीसरी कैटेगरी, वीक इंटेलिजेंस एंड वीक स्टेबिलिटी, ध्यान से सुनो, तीसरी कैटेगरी का जो बच्चा होता है उसका वीक इंटेलिजेंस होता है, वो क्लास में बैठा रहेगा, धीरे धीरे समझता है, लेट बहुत लगता है उसको समझने में, और वो स्टेबल ही नहीं है, क्लास के अंदर भी उसका मन इधर उधर चला जाएगा, आएगा तुरंत वो कहीं और ही चला गया, वीक इंटेलिजेंस है, वो समझ भी रहा है वीक, उसमें भी कमजोर है, साथ ही साथ वो ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकता, जल्दी से निगेटिव हो जाता है, पैनिक हो जाता है। इस बच्चे में संभावना कम है कि वो आईएएस बनेगा, क्यों, क्योंकि ये बच्चा ना तो स्टेबल है, ना तो इसका माइंड एक जगह रुक रहा है, और ना ही ये पूरी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, ना समझ रहा है। तो दोनों भगवान ने कह दिया रहण दो, तुम हो गया तुम्हारे बस की। ऐसा नहीं कि ये बन नहीं सकता, मैं बताऊंगा कैसे बनता है, ये भी बन सकता है लेकिन कैसे। लेकिन अगर नॉर्मल परिस्थिति देखी जाए तो यही वो बंदा है जो सबसे नीचे कैटेगरी का होगा इंसान, ना तो इसके अंदर इंटेलिजेंस है, ना ही स्टेबिलिटी है। याद रखना कैटेगरी 4, ये जबरदस्त, ये इंसान जो होगा इसको किसी की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो सलमान खान है अपनी भी नहीं सुनता, और इंटेलिजेंस इतनी कि मतलब चीजों को यूं पकड़ेगा और खींचता हुआ चला जाएगा। ये ज्यादातर टॉपर होता है, ये ज्यादातर अपने फील्ड का सम्राट होता है मेरे बच्चों,
क्योंकि इसके अंदर है स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। अगर मैं बात करूं तो ऊपर के जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे, याद रखना वो इस कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, यानी लेवल फोर का इंसान आप विश्वास करो चीर के रख देगा यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसको किसी कोचिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो ये कौन सी कैटेगरी, फिर से ध्यान से सुनो, आप कौन सी कैटेगरी में हो पहले क्लियर करो। दो मापदंड थे, इंटेलिजेंस स्टेबिलिटी, आप चेक करो कौन वाले में हो, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस प्लस वीक स्टेबिलिटी। अगर आप स्थिर नहीं हो रहा है दिमाग, स्थिर नहीं हो रहा है दिमाग, तो आपको जरूरत है किसी की, याद रखना। दूसरा, वीक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, अगर इस कैटेगरी में आपको हो और चीजें समझ में बहुत लेट आ रही हैं, तो आपको जरूरत है किसी की। नंबर थ्री, वीक इंटेलिजेंस एंड वीक स्टेबिलिटी, तब तो आपको ओवरऑल जरूरत है किसी की मेरे बच्चों, राइट? और टाइप फोर, आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको किसी की जरूरत नहीं, राइट? आप ताबड़तोड़ बस हल्का सा गाइडेंस मिलेगा, हल्का सा मेंटरशिप मिलेगा, बूम, किसी कोचिंग की जरूरत ही नहीं है आपको मेरे बच्चों। ध्यान से सुनना, टाइप फोर को अपनी कैटेगरी समझो कि किस कैटेगरी में आते हो, राइट? और काम शुरू करो मेरे बच्चों। सो हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, कोई भी कैटेगरी का इंसान जो ऊपर का है वो अपने अंदर बदलाव ला सकता है। खुशी की बात, मैंने क्या बोला था, आई विल टेल यू द चैलेंज एंड आई विल टेल यू द सॉल्यूशन, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। मैं आपको एक लिस्ट बनाने जा रहा हूं, याद रखना हर एक इंसान की कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी ना। देखो ये है बच्चों, ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम यानी कि जब आप बैठे होते हो ना, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, कहीं पे बैठे होते हो, पढ़ रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, ध्यान सुनना, अचानक एक मैसेज आता है दिमाग में, खट से, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ध्यान से सुनना, इस मैसेज का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है मेरे बच्चों, इस मैसेज का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं। आप पढ़ रहे थे, अच्छे खासे लिख रहे थे, तब तक एक मैसेज आता है, खट से अपने आप दिमाग मैसेज देगा, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं आईएएस बन सकता हूं या नहीं बन सकता। जैसे आएगा ना अचानक, अब आप अगर वीक इंटेलिजेंस है, वीक स्टेबिलिटी है, सडनली आपका दिमाग उस मैसेज पे चला जाए और अब आपका टाइम खराब। इस मैसेज को क्या कहते हैं, भ्रामक मस्तिष्क संदेश, साइकोलॉजी में एक टर्म है, डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज। अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी ताबड़तोड़ है, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस बेहतरीन है, तो आप उसको तुरंत काट सकते हो। लेकिन अगर आप वीक स्टेबिलिटी वाले इंसान हो, तो आप उस मैसेज को नहीं काट पाओगे मेरे बच्चों, और आप उसके साथ बहते हुए चले जाओगे। बोलो बच्चों, होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज आया, धोखाधड़ी वाला मैसेज अपने दिमाग से ही आता है, कहीं से पैदा नहीं हुआ है, और अचानक वो मैसेज में आप बहते हुए चले जाते हो, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी वो कहता है आपका सिलेक्शन, कभी लगता है सिलेक्शन के बाद मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन बाद में अपने सड़कें बना दूंगा, अपने घर की ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन एक्चुअली जो कहानी आप देख रहे हो वो क्या था, वो आपका दिमाग आपको लेके कहीं चला गया। लेकिन सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होता है जब आप निगेटिव मैसेज देता है दिमाग मेरे बच्चों, निगेटिव मैसेज देता है और आप उसके साथ बहते हुए चले जाते हैं। कैसे बचा जाए मेरे बच्चों, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जो फेलियर एटीट्यूड है वो आपके दिमाग के अंदर भगवान ने डाल दिया है, लेकिन अगर आप इस लिस्ट को दिमाग में रख लो, अगर आप अपनी डायरी में इस लिस्ट को नोट कर लो, तो आप अवेयर हो सकते हो। इसे टांग लो, कहीं आपके अंदर ये गुण तो नहीं आ रहे हैं। फेलियर वाला एक दृष्टि है, एक सोच है, अगर वो विफलता की सोच आपके सामने लिख उठिए और आप उसे ध्यान रखियो कि ये वाली क्वालिटी अपने अंदर डेवलप नहीं होने दूंगा, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। सबसे पहला याद रखना मेरे बच्चों, फेलियर एटीट्यूड का पहला लक्षण है सेल्फ सस्पिशन। अगर आपको बात बात पे अपने ऊपर शक हो रहा है, अपनी कैपेबिलिटी पे शक हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर फेलियर एटीट्यूड डाला गया है। वो चाहे तुम्हारे चारों तरफ के एनवायरमेंट ने डाला है, चाहे तुम्हारी, ये अवेयर हो जाओ, ये तुम्हारे अंदर है नहीं,
ये बाहर से डाला गया है, तुम तो जीतने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ की परिस्थितियां ने, तुम्हारी गरीबी ने, तुम्हारी लाचारी ने, हो सकता है तुम्हारे एक पैर नहीं है, हो सकता है एक आंख नहीं है, हो सकता है तुम्हारे पापा नहीं है, हो सकता है तुम्हारी मम्मी नहीं है, हो सकता है तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, हो सकता है तुम अमीर नहीं हो, ये सारी परिस्थितियों ने तुम्हारे अंदर ये, तुम्हारे अंदर ये डाल रखा है मेरे बच्चे। तो अब मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, ये लिस्ट नोट कर लो, सारी परिस्थितियां एक तरफ होंगी, तुम्हारी जीत तय है। नंबर वन, अपने ऊपर शक नहीं, अपने ऊपर शक नहीं करना है, हमेशा अपनी दिशा पर शक करना, अपने ऊपर नहीं। दूसरा, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर रहना मेरे बच्चों। कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो समझ लेना बार बार आप कंफ्यूज हो रहे हो, ध्यान से सुनना, बार बार आप कंफ्यूज रहे हो रहे हो, ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, बार बार कंफ्यूजन, ये आपके विफलता का एटीट्यूड आपके अंदर जा रहा है, इसका मतलब है। तीसरी चीज, नॉट मूविंग फॉरवर्ड, आगे ना बढ़ना। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक ही जगह पे रुके हुए हो लगातार काफी दिनों तक, आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर विफलता का एटीट्यूड घुस चुका है मेरे बच्चों, ये आपके अंदर है नहीं, बीमारी बाहर से आती है ना, ये बीमारी है, इसे ठीक करने का इलाज भी बताऊंगा। ये याद रखना, पहला, अपने ऊपर शक नहीं, भ्रम नहीं। अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो शक हो जाना चाहिए कि मेरे अंदर वो एटीट्यूड घुस रहा है, और एक बार में सब कुछ हथियाना चाहते हो अगर मेरे बच्चों, एक बार में सब कुछ हथियाना चाहते हो तो ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर विफलता का एटीट्यूड है। अगर एक ही साथ में मनोरंजन भी पूरा कर लूं, एक ही साथ में पढ़ाई भी कर लूं, एक ही साथ में एसएससी भी कर लूं, बैंकिंग भी कर लूं, यूपीएससी भी कर लूं, पीसीएस भी कर लूं, भाई साहब आपके अंदर फेलियर एटीट्यूड घुस रहा है, सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अगर आप, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, अगर आप अक्सर चिंता, भय, संदेश, ये जो है ना, चिंता, भय, अगर ये सब लगातार आपके दिमाग में घुस रहा हो मेरे बच्चों, तो मान लेना कि आपके अंदर विफलता वाला मनोदृष्टि घुस रही है। लिस्ट नोट हो रहा है ना, सब लोग नोट करें ना मेरे बच्चों, नोट कर लेना। अगर अपने ऊपर शक हो रहा है बार बार, अगर कंफ्यूज हो रहे हो बार बार, अगर काफी समय से आगे नहीं बढ़ रहे हो, अगर आप एक बार में सब कुछ हथियाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग बार बार सिग्नल देता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, विफलता वाली मनोदृष्टि है। अगर आप चिंतित रहते हो अक्सर, थोड़ा बहुत चिंता सबको आनी चाहिए, लेकिन अक्सर अगर आप चिंतित रहते हो तो इसका मतलब विफलता वाला एटीट्यूड है आपके अंदर मेरे बच्चों। अक्सर आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, तो विफलता वाला एटीट्यूड है आपके अंदर। और अगर अपनी कल्पना में आप अपनी विफलता को ज्यादा देखते हो और सफलता को कम, बहुत ही साथ आसान बता रहा हूं, अपने सपनों में, अपने हर समय आप अक्सर ये सोचते हो, कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं नहीं सक्सेस हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब विफलता वाली मनोदृष्टि आपके अंदर घुस रही है मेरे बच्चों, आपके अंदर घुस रही है। और सतर्क हो जाना, ये लिस्ट बना लिया ना मेरे बच्चों, बना लेना, whether you are from हिंदी मीडियम और you are from इंग्लिश मीडियम, both people need this list, it doesn't mean anything, ये कोई मतलब नहीं है इसका कि कोचिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये लिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, ये लिस्ट सामने रख के ये नहीं होने देना है तो क्या होने देना है, कौन सा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना है, ध्यान से सुनो, टॉपर्स एटीट्यूड, मैं आपको लिस्ट बता दे रहा हूं, अगर ये एटीट्यूड बार बार आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तुम गरीब हो ना, तुम्हारे पापा मम्मी सपोर्ट नहीं करते ना, तुम्हारे घर में कोई सपोर्ट नहीं करता ना, हैं, तुम बीएससी हो, तुम आईआईटी नहीं क्वालिफाई कर पाए, तुम नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तुम सातवीं में फेल हो गए, तुम हाई स्कूल में फेल हो गए, तुम ग्रेजुएशन फेल हो गए, नो मैटर, ये एटीट्यूड आज से डेवलप करना शुरू करो मेरे बच्चों, आज से चीर के रख दोगे आप इस संसार में, जो लक्ष्य रखोगे ये किसी और के ऊपर नहीं, ये अपने ऊपर मैंने अप्लाई किया है मेरे बच्चों, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने रिसर्च किया है मेरे बच्चों, और मैंने फील किया है कि ये चीर के रख देगा ऐसा बच्चा, ध्यान से सुनो, पहला क्या है, एक बार में एक लक्ष्य,
एक बार में एक लक्ष्य, आईएएस बनना है तो आईएएस, पीसीएस बनना है तो पीसीएस, एसएससी बनना है तो एसएससी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार में एक लक्ष्य मतलब आईएएस, आईएएस, आईएएस। जैसे वो आईआईटीएन आता है ना, जब छोड़ के आईआईटी करने के बाद उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे आईएएस बनना है। दूसरा ध्यान से सुनना, खुद पर विश्वास, चाहे पूरी दुनिया की, ये रूल है, रूल, ये नियम है, नियम। तुम्हारे चारों तरफ के लोग तुम्हारे ऊपर आएंगे, शंका डालेंगे, ए तेरे बस की नहीं है, ए तू नहीं कर सकता, ए तेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, ऐसा बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। उस समय तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहनी है कि अगर अगर अनु कुमारी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, अपने ऊपर विश्वास तुम ही कर सकते हो ना, और कोई तो नहीं करेगा ना मेरे बच्चों। तुम अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे ऊपर विश्वास करें, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे ऊपर विश्वास करें, इससे बड़ी बेवकूफी भरी बात क्या है। जब तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मेरे बच्चों। मेरे को एक बात बताओ, एक बंदा आईआईटी करने के बाद 50 लाख की नौकरी छोड़ के आईएएस की तैयारी करने आता है, दम 50 लाख की नौकरी छोड़ने की। एक बंदा कैट क्वालिफाई करता है, 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ देता है, सिंगापुर छोड़ देता है, अपनी धरती पे आता है और कहता है मैं आईएएस की तैयारी करता हूं। ये किस वजह से? क्योंकि उसे आत्मविश्वास है, उसे खुद पर विश्वास है। लेकिन हमारी परिस्थितियों ने हमें जकड़ रखा है मेरे बच्चों, हमारी परिस्थितियों ने हमें जकड़ रखा है। हमें अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना होगा। हम गरीब हैं इसका मतलब नहीं है अरे अंधा आईएएस बन जा रहा है यार, तुम तो ठीक ठाक होगे ना मेरे बच्चों। एक इंसान जिसको दिखता नहीं है वो आईएएस बन रहा है, तुम नहीं बन सकते। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करने में जाता क्या है, ये नियम है, ये नियम। इफ यू वॉन्ट टू बिकम आईएएस टॉपर, चाहे तुम हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम में, अगर आप आईएएस टॉपर बनना चाहते हो मेरे बच्चों, पहला नियम एक बार में एक लक्ष्य, दूसरा नियम अपने ऊपर विश्वास, तीसरा नियम स्पष्टता। ये बुक पढ़ो, ये कोचिंग ज्वाइन करो, ये आदमी से मिलू, ये आदमी से मिलू, इस जगह जाऊं, तुम यार कंफ्यूज हो रहे हो बार बार। स्पष्ट हो जाओ, क्लियर हो जाओ अपने गोल को लेकर, अपनी किताबों को लेकर, अपने नोट्स को लेकर। पहले एक 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 चीज करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे। एक किताब पढ़ रहे होते हो, जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में मन लगा रहता है, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के बारे में सोच रहे होते हो, स्पष्ट ही नहीं हो। टॉपर स्पष्ट होता है मेरे बच्चों, टॉपर स्पष्ट होता है, क्लियर होता है उसे अब अगले 2-3 घंटे करना क्या है। तुम्हें भी करना होगा। टॉपर्स एटीट्यूड अपने अंदर लगातार डालते जाओ, और याद रखना आगे बढ़ना है बच्चों, आगे बढ़ना है। टॉपर कभी रुकता नहीं है, वो इस बात की चिंता किए बगैर कि आगे गलत जा रहा हूं या सही जा रहा हूं, वो आगे बढ़ता है। जब आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको लगे कि पता नहीं कौन सी दिशा सही है और कौन सी नहीं, तो सिर्फ आगे बढ़ना, क्योंकि आगे बढ़ने से कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि आप गलत हो या सही। लेकिन अगर आगे नहीं बढ़े तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। टॉपर हमेशा आगे बढ़ता है मेरे बच्चों, टॉपर हमेशा आगे बढ़ता है। आप भी आगे बढ़ोगे तो जीतोगे। टॉपर हमेशा सोचता है एक बार, कैसे करें। फेलियर, आदमी जिसके दिमाग में फेलियर एटीट्यूड है वो ये सोचता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो चिंता करता है, भय करता है। लेकिन टॉपर हमेशा सोचता है कि मैंने आईआईएम छोड़ दिया, 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ दिया। 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ने वाला इंसान दमदार होता है मेरे बच्चों। वो जानता है कि वो कर सकता है, और हमेशा एक ही चीज सोचता है कि कैसे करें। आप भी सोचोगे क्या आज से मेरे बच्चों? प्रॉमिस करो आज से आप कि आप भी यही सोचोगे, कैसे करें। कोई भी लक्ष्य ले लो, सिर्फ यही सोचो कैसे करें। ये नियम है। और लास्ट में आता है सकारात्मक कल्पना। मेरे बच्चों याद रखना, पॉजिटिव थॉट। हमेशा आप ये चीज सोचो कि जब ये आ जाएगी, आपने प्लान बनाया कि मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है, तो आप सिर्फ ये कल्पना करो कि जब आईएएस में बनूंगा उस दिन क्या होगा। उसके बाद की मत सोचना,
कि मैं अपने घर की सड़क बनवा दूंगा, मैं अपने गांव भर के लिए गिफ्ट ले आऊंगा। बकवास। उस दिन होगा क्या जिस दिन आप सेलेक्ट हो गए? मेरे बच्चों उस दिन क्या होगा? उस दिन सारे गांव वाले ढोल मंजीरे के साथ आपके घर आएंगे, आपके पापा को माला पहनाएंगे। ये सकारात्मक कल्पना आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? उस दिन सारे गांव के लोग ही नहीं बल्कि आपके यहाँ के MP MLA भी आपके घर आते हैं, आपके पापा को माला पहनाते हैं। उस दिन आपका चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री आपके पापा को कॉल करके बोलता है, अरे कैसा लड़का पैदा कर दिया है भाई, गजब। ये फीलिंग अच्छी है या नहीं? या ये फीलिंग आप करना चाहते हो कि मैं फेल हो गया तो क्या हो, मेरे पापा मेरे को लात मार के भगा दे? ये वाली कल्पना करने में अच्छा लग रहा है या ये? टॉपर हमेशा सिर्फ जीत की कल्पना करता है। टॉपर ये सोचता है कि मैं अपने पापा का नाम आसमान में लिख दूंगा, ये सोचता है। लेकिन फेल्योर क्या सोचता है? वो सोचता है अपना भी डुबाऊंगा नाम, पापा का भी नाम डुबाऊंगा। हैं? टॉपर एटीट्यूड है मेरे बच्चों। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, सभी लोग प्रॉमिस करो। राइट प्रॉमिस, यस आई प्रॉमिस। मेरे बच्चों लिखो प्रॉमिस, आई प्रॉमिस कि हाँ मैं ये एटीट्यूड डेवलप करूंगा, मैं ये एटीट्यूड डेवलप करूंगा, मैं टॉपर्स का एटीट्यूड डेवलप करूंगा। प्लीज राइट आई प्रॉमिस, राइट आई प्रॉमिस, राइट। ये प्रॉमिस तुम अपने आप से कर रहे हो, ये प्रॉमिस तुम अपने परिवार से कर रहे हो मेरे बच्चों, ये प्रॉमिस तुम अपने उस आत्मा से कर रहे हो जिसने जो इस शरीर में है, ये प्रॉमिस तुम अपनी माँ से कर रहे हो, ये प्रॉमिस तुम उस गॉड से कर रहे हो मेरे बच्चों जिसने तुम्हें पैदा किया है कि यस मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरे बच्चों जीत के लिए। ये टॉपर एटीट्यूड आपको डेवलप करना होगा। कोई चांस नहीं है हमारे पास, हम फेल होने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। एक दिन कभी मेरे अंदर भी फेलियर एटीट्यूड आया था मेरे बच्चों, मैं भी हारा। लेकिन जिस दिन से मैंने ये लिस्ट बनाई उस दिन से मुझे कोई हरा ही नहीं पाया। और याद रखना मेरे बच्चों, यही है वो लिस्ट, समझ गए? चलो, अगर किसी के अंदर इसके बावजूद भी, इस लिस्ट बनाने के बावजूद भी ना आए तो वाई ढूंढना अपना। वाई यानी वही कल्पना करना जो भी मैंने बताया था, अपने पापा का नाम रोशन करना, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। वाई यू केम टू दिस लाइफ, तुम क्यों आए हो इस संसार में, तुम क्यों इस दुनिया में पैदा हुए हो, यही सोचना, शायद तुम्हें प्रेरणा मिले। इसलिए वाई जरूर पैदा करना मेरे बच्चों, वाई जरूर पैदा करना। अब चलिए स्टडी प्लानिंग। अब पता चल गया लिस्ट किसकी है, मैंने तुम्हारा प्योरीफाई कर दिया है, मैंने ये बता दिया है कि तुम्हें IAS की तैयारी करने से पहले क्या करना है। अब IAS की तैयारी करने में अब प्लानिंग कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये लिस्ट है आप लोगों के पास, ये जो मैं अपने बच्चों से कराने वाला हूं या कराता हूं वही प्लान मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला प्लान अपने यहां मैं कराता हूं, आपको खुद करना पड़ेगा अगर आप स्वयं तैयारी करते हो, याद रखना। लेकिन यही करना है दोनों बच्चों, याद रखना लिस्ट इसका नोट करो। पहला है स्टडी प्लानिंग फॉर टॉपर्स Level 1 स्टेज। Level 1 में क्या होगा, कई लेवल पे है, Level 1 की बात कर रहा हूं। Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4, Stage 5। Level 1 में Stage 1 क्या है, सिलेबस के कीवर्ड्स। बच्चों याद रखना, आप लोग सबसे पहले NCERT शुरू करते हो, नहीं गलत। बच्चों पहले अपना ट्रैक डिसाइड करो। NCERT 6 क्लास का बच्चा भी पढ़ता है, NCERT NDA वाला भी पढ़ता है, NCERT CDS वाला भी पढ़ता है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि NCERT क्यों पढ़ूं और क्या पढ़ूं। तो सबसे पहले सिलेबस के कीवर्ड, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट करो। अगर सिलेबस के कीवर्ड तुम्हें नहीं चाहिए होगा तो यहां पर जो आपको मैसेज किया होगा उनको बोलना, वो सिलेबस का कीवर्ड आपको भेज देंगे मेरे बच्चों। जो कीवर्ड आपको तैयारी करने से पहले अपने दिमाग में रखना है, मैं अपने बच्चों को खुद ट्रेनिंग देता हूं इन कीवर्ड्स की, लेकिन तुम्हें अपने आप देखना होगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। इन सिलेबस के कीवर्ड्स आपको रटना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पहले के क्वेश्चन पेपर है सबसे पहले उसको देखना है मेरे बच्चों। अब आप शुरू करो NCERT। NCERT आपको पता है, पूरे मार्केट में सबको पता है 6 से 12 तक पढ़ना होता है, है ज्योग्राफी की आपको पता है, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपको पता है कि ज्योग्राफी और क्या नाम है वो डेमोक्रेसी एक्ट वगैरह आपको पढ़ना है, ये सारी किताबों की लिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। मैंने बोला कैसे करना है,
अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए प्री का टॉपिक कौन सा है और मेंस का टॉपिक कौन सा है। वो तभी पता चलेगा जब आप ये वाला काम करके रखोगे, और तब आप एनसीईआरटी पढ़ते समय प्री के टॉपिक अलग करते जाना, मेंस के टॉपिक अलग करते जाना मेरे बच्चों, और उसको बढ़िया से प्री के लिए तैयार करना, उसको बढ़िया से मेंस के लिए तैयार करना, जो दोनों में काम आता है उन दोनों को तैयार करना। ये होगा आपका स्टेज टू। स्टेज थ्री क्या है? अब स्टैंडर्ड बुक और मेटेरियल ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। आपको किसी भी कोचिंग का मेटेरियल आपको मिल जाएगा मुखर्जी नगर में। आप अगर बोलोगे तो फोन नंबर मैं दिला दूंगा, लेकिन आपको ये सारे मेटेरियल 1000 रुपए में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेटेरियल आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे भी कोचिंग का मिल जाएगा। फोटोकॉपी वाले बेच ही रहे हैं उसको, आप चिंता मत करो, ये मेटेरियल भी आपको मिल जाएगा। अगला, नोट्स मेकिंग। जब ये मेटेरियल मिल जाए, याद रखना बिना नोट्स मेकिंग के सिलेक्शन नहीं होगा मेरे बच्चों। नोट बनाना पड़ेगा, चाहे आप वीक माइंडसेट के हो, चाहे स्ट्रांग, चाहे स्टेबिलिटी हो या ना हो, अगर बंदा नोट्स बनाने लगेगा तो जीतेगा। और लास्ट में स्टेज 5 है रिवीजन। रिवीजन लास्ट में, देखो गायब थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप नोट कर लेना, ये रिवीजन प्लान है। एवरी डे, हर दिन एक तिहाई समय आपको अपने रिवीजन पर देना है, कुछ भी भूलना नहीं है। जो कुछ भी दिन भर पढ़ो, याद रखना मेरे से प्रॉमिस करो, दिन भर जो कुछ भी पढ़ोगे उसे भूलोगे नहीं, उसे भूलोगे नहीं। चाहे बार बार रिवीजन करना पड़े, चाहे बार बार रिवीजन करना पड़े, करना। तो ये लेवल 1 में 5 स्टेज है, 5 स्टेज मेरे बच्चों। अब आएगा लेवल 2। लेवल 2 मेंस स्ट्रेटजी। अब प्रीलिमिनरी नहीं, सबसे पहले मेंस की स्ट्रेटजी है, क्योंकि मेंस की तैयारी अगर आप करोगे आज तो ही प्रीलिमिनरी निकलेगा मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो प्रीलिमिनरी नहीं निकलेगा, गलत स्ट्रेटजी है। कितने लोग ये मानते हैं कि पहले प्री आता है तो पहले प्री की तैयारी करें, गलत स्ट्रेटजी। पहले मेंस पे फोकस करना है और धीरे धीरे साथ ही प्री की तैयारी, यानी मेंस कम प्री की तैयारी करना है, मेंस प्लस प्री की तैयारी करना है, प्री प्लस मेंस की नहीं मेरे बच्चों। तो मेंस की तैयारी करने से पहले क्या करेंगे, स्टेज 1 टॉपिक वाइज कीवर्ड कलेक्शन। जैसे ही एक टॉपिक आपको समझ जाए, आपके सिलेबस में आया हुआ है, उस सिलेबस के कीवर्ड इकट्ठा करना, सारी बुक से मटेरियल पढ़ना, उसको इकट्ठा करो। दूसरा, उसको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में तैयार करो, इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, इसमें टॉपिक तैयार करो। ये मेंस का है स्पेशली, जब लेवल 1 हम पार कर जाएंगे तो लेवल 2 में ये काम करना है। ये लेवल 2 है मेरे बच्चों। लेवल 2 में इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, आंसर राइटिंग फॉर्मेट में नोट्स बनाना है मेरे बच्चों, आंसर राइटिंग फॉर्मेट्स में नोट्स बनाना। मैं अपने बच्चों का ये बनवाता हूं जैसे वो पहला लेवल पार करेंगे। अगला है स्टेज 3, टॉपिक वाइज राइटिंग विद क्वालिटी। अभी आप टाइम मैनेज फोकस नहीं करोगे, स्टेज 3 में आप टाइम मैनेज फोकस नहीं करोगे, आप सिर्फ क्वालिटी पे, आंसर राइटिंग क्वालिटी। आपको 25 मिनट लगेगा, आपको 30 मिनट लगेगा, आपको 45 मिनट लगेगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सिर्फ देखना। टाइम लगने दो बच्चों, लेकिन आंसर राइटिंग जरूर करना। ध्यान से सुनो, अगर कोई आदमी ये कहता है कि आंसर राइटिंग पूरे सिलेबस के बाद खत्म करके करने के बाद करनी है, गलत मेरे बच्चों, नहीं, अभी से करनी है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर कोई कहता है कि राइटिंग स्किल बिना लिखे हो जाएगी, तो वो तो ऐसे ही है जैसे नदी में बिना कूदे तुम स्विमिंग सीख जाओ, असंभव है बेटा। आप तैरना तब तक नहीं सीख सकते जब तक नदी में आप कूदो। तो तीसरी स्टेज मैंने बताया, राइटिंग की क्वालिटी। अब हम टाइम मैनेजमेंट में जाएंगे, अब हम टाइमर लगाएंगे मेरे बच्चों, 7 मिनट में 150 वर्ड ऐसे करके चलेगा टाइमर। ध्यान से सुनना, अपने मोबाइल में कैसे लगाओगे वो भी मैं बता दे रहा हूं, ऐसे टाइमर लगाना, ठीक है, ऐसे टाइमर लगा दिया। अब क्वेश्चन लिख उठा, अब आंसर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, स्टार्ट ऐसे करके 7 मिनट में लिखना। नहीं लिख पाओ, फिर से रिपीट मेरे बच्चों, फिर से 7 मिनट का टाइम फिक्स करो, फिर से लिखना शुरू करो 7 मिनट में मेरे बच्चों। अपने मोबाइल में टाइमर लगाओ और कॉपी पे लिखो। आंसर किस पे लिखोगे? यूपीएससी वाली कॉपी पर, नॉर्मल कॉपी पर, रूलदार लाइनदार कॉपी नहीं मेरे बच्चों, समझ गए ना? तो याद रखना इस बात को। तो ये मैंने कहा कि किस तरीके से आप आंसर राइटिंग को करने वाले। मैं अपने यहां खुद करवाता हूं अपने बच्चों से,
मैं खुद ही चेक करता हूं उनके आंसर, राइट। लेकिन आपको खुद करना है बिकॉज आप कोचिंग बिना तैयारी करना चाहते हो। अगर कोचिंग की तैयारी करना चाहोगे तो ये तो हमारे यहां होता ही है। अब अगला सुनो, स्टेज फोर क्या है? राइटिंग विद क्वालिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, सेट टाइमर लगा के करना है। अब अगला आएंगे प्री की तैयारी। देखो प्रीलिमिनरी में क्या करना है, प्रीलिमिनरी में देखो ध्यान से, फिर से इसमें 5-4 स्टेज हैं, टॉपिक वाइज स्टडी प्लस नोट्स प्लस रिवीजन। अगर प्री क्वालिफाई करना चाहते हो एक बार में तो स्टेज वन पे ये काम होगा टॉपिक वाइज स्टडी नोट्स रिवीजन, बार बार रिवीजन। अब स्टेज टू पे आओगे स्टेज टू में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज। मेरे बच्चों लोग यहां के बाद सीधा टेस्ट सीरीज पहुंच जाते हैं, गलत। यहां के बाद आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके बाद आएगा, यहां गड़बड़ हुआ है कुछ, इसके बाद बेटा अगला स्टेज आएगा टेस्ट सीरीज वाला, ये वाला। अगर आपको उसके बाद प्री क्वालिफाई करना है, तीसरा स्टेज होगा टॉपिक वाइज टेस्ट, देन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज हो गया, अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और इसके बाद कंप्लीट टेस्ट पेपर। यानी कि सबसे पहले आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने के बाद आप रिवाइज करते हो बार बार, फिर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चैप्टर वाइज के बाद आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, सब्जेक्ट वाइज यानी कि पॉलिटी का पेपर अलग, इसके बाद आप पूरी टेस्ट सीरीज आप उठाओगे। टेस्ट सीरीज कहां से उठाओगे टेस्ट सीरीज भी इधर सारी मार्केट में मिलती है मेरे बच्चों। आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज मांगो, ये दे देगा। मुखर्जी नगर में सारे बुक स्टॉल वाले आपको 40-40 रुपए में टेस्ट पेपर बेच रहे हैं भाई, ले लो। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं फोन नंबर मिलेगा तो फिर से मैं बता रहा हूं, मेरे यहां जो टीम है उनसे फोन नंबर मांग लेना, वो दे देंगे आपको। मेरे बच्चों आपकी हेल्प करेंगे, मैं उनको स्पेशल ऑर्डर दूंगा कि आपको वो सारे फोन नंबर शेयर करें जहां पे नोट्स मिलते हैं, जहां पे टेस्ट सीरीज मिलते हैं। लेकिन आप लोग याद रखना कि रूल मत तोड़ना। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे क्या, स्टेज वन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, स्टेज टू है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, और स्टेज थ्री है कंप्लीट टेस्ट पेपर्स। ये तीन लेवल पे मेंस की तैयारी होगी, प्री की तैयारी ऐसी, मेंस की तैयारी ऐसी। ये स्टेज फॉलो करो, ये करा करके ही सिलेक्शन पॉसिबल है मेरे बच्चों। अगर किसी ने रूल तोड़ा तो खेल खत्म। प्री का क्राइटेरिया क्या होगा, प्री का क्राइटेरिया मेरे बच्चों 75। अगर आप एक पेपर में पॉलिटी के 75 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको यूपीएससी में कोई फेल नहीं कर सकता, और ये क्राइटेरिया आपको पहुंचना ही है 70 के ऊपर। मेरा अच्छा तुम्हें लगता होगा आता नहीं है, आता है, आएगा मेरे बच्चे का, आता है मेरे बच्चों, तुम्हारा भी आएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरा लेवल करना है। अब इसके बाद है अगला, याद रखना यूपीएससी एक ऐसी चीज है जिसमें अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मेरे बच्चों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब बहुत लोग टेंशन में आ जाएंगे कि हमारे गांव में तो हम अकेले हैं, हम कैसे ग्रुप बनाएंगे। अरे ग्रुप सिर्फ गांव में नहीं बनता, ग्रुप ऑनलाइन भी बनता है। बहुत जगह जहां ऐसे लोग मिलते हैं फेसबुक पे जहां पे ग्रुप बनता, सिर्फ पढ़ने वाला ज्वाइन करना, दोस्ती वाला ग्रुप मत ज्वाइन करना, सिर्फ पढ़ने वाला और अपने जैसा, यानी ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप कैसा होना चाहिए एक अच्छा समूह आपको बनाना है मेरे बच्चों। कैसा समूह होना चाहिए, एक अच्छा समूह होगा प्रतिस्पर्धा पर आधारित, एक अच्छा समूह होगा जिसमें अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो आपका दोस्त 10 घंटे पढ़े, एक अच्छा समूह होगा जो बोझ को कम करता हो। अगर आपको पॉलिटी आपको ज्यादा आती है तो आप अपनी पॉलिटी उसको बताओ, आप पॉलिटी के नोट्स उसके साथ शेयर करो। अगर आपके ग्रुप के दूसरे इंसान को हिस्ट्री ज्यादा आती है तो हिस्ट्री के बारे में वो टॉपिक समझाएगा, हिस्ट्री के नोट्स आपको शेयर करेगा, हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो बताएगा, बोझ कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आपका ग्रुप का एक इंसान कुछ चीजें जानता है तो आपको वो स्किल सिखा देगा, और जब जब आप निगेटिव होगे मेरे बच्चों तो आपको प्रेरणा देगा। आपका ग्रुप होता है तो आप निगेटिव नहीं होते हो, क्योंकि बाकी भी 3 से 4 लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी करने के लिए प्रेरित होते हो। अगर आप काम चोर हो और स्टेबल आपका दिमाग नहीं, आपके लिए ग्रुप मस्ट है। अगर आप स्थिर नहीं हो तो आपके लिए ग्रुप मस्ट है। लेकिन उस ग्रुप में भी अगर आप अस्थिर रहे तो
तो खतरा है, खतरा है, ग्रुप पूरा ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ग्रुप क्या है? प्रतिस्पर्धा पर आधारित। अच्छा ग्रुप क्या है? बोझ कम करता है। अच्छा ग्रुप क्या है? अतिरिक्त कौशल देता है एक दूसरे को। अच्छा ग्रुप क्या है? प्रेरित करता है एक दूसरे को। लेकिन अच्छा ग्रुप की सबसे खास बात जो होती है कि अगर कोई लड़का लड़की आपके ग्रुप में, तो मोहब्बत नहीं चलती वहां। उस ग्रुप में एक दूसरे को प्रपोज नहीं करना है। मेरे बच्चों, डायन भी चार घर छोड़ती है, तुम्हें भी छोड़ना है, लेकिन ग्रुप बनाना है। अगर आप बिना कोचिंग के सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपका एक ग्रुप होना चाहिए। ये रूल आप निर्धारित करो। आप कहोगे नहीं, मैं अपनी बिल में घुसा रहूंगा, अपने घर में बैठा रहूंगा, किताब खरीद लाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से मिलूंगा नहीं, और खुद ही पढ़ पढ़ के बन जाऊंगा। तो तुम हाई स्कूल तो पास कर सकते हो, यूपीएससी नहीं। मेरे बच्चों, यूपीएससी है टाइगर्स का गेम, और उसमें शिकारी बनना पड़ता है। मेरे बच्चों, शिकारी और शिकारी आप अकेले नहीं बन सकते, आपको एक समूह की जरूरत है। खराब समूह क्या है? अब ध्यान से सुनना, खराब समूह बड़ा खतरनाक होता है। अगर आपका ग्रुप खतरनाक हो गया तो भाई साहब आप गए। ऐसा ग्रुप जिसमें एक इंसान दूसरे से जलता, आप 8 घंटा पढ़ते हो तो दूसरा आदमी जल जाता है, अगर आप 10 घंटा पढ़ते हो दूसरा आदमी जल जाता है, अगर आप आंसर राइटिंग कर दूसरा आदमी, अरे यार तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा भाई, ऐसा ग्रुप आपके लिए खतरनाक है। ऐसे ग्रुप में अगर कोई इंसान आपके ग्रुप में ऐसा है तो उसको मार के भगा दो। मेरे बच्चों याद रखना, अगर कोई आपके ग्रुप में आपका बोझ बढ़ाता है, अगर आपके ग्रुप में कोई आपका बोझ बढ़ाता है, कहता है भाई हम तो सो रहे थे, तू नोट्स हमें दे दे, भाई साहब ऐसे ग्रुप को छोड़ देना, ऐसे ग्रुप को छोड़ देना। अगर आपके ग्रुप में कोई दोस्त आपका आता है और वो आपका टाइम खराब करता है, राजनीति पे डिस्कशन करता है कि भाई गला क्यों काट दिया आज उदयपुर में, जरा बताना, 1 घंटे तुम्हारा टाइम खराब कर देता है, तो इसे कहते हैं एनर्जी वैम्पायर। ये जोंक है, इस इंसान से डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि यूपीएससी का, याद रखना, यूपीएससी वाला इंसान बिना काम के कोई डिस्कशन नहीं करेगा किसी राजनीति पर। और चौथा, अगर कोई डीमोटिवेट करता है, चाहे कितना भी क्लोज हो तुम्हारे, अगर वो तुम्हें बार बार कहता है तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, उसको एक पिछवाड़े ऐसे घुमाना और एक लात मारना उसके पीछे, भागे यहां से। क्यों? क्योंकि जो इंसान तुम्हारा डिमोटिवेट करे, जो इंसान तुम्हें लक्ष्य से दूर लेके जाए, वो इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो इंसान तुम्हारे जीवन में जहर मिलाने आया है। याद रखना, जहर चाहे दोस्त मिलाए चाहे दुश्मन, मरोगे तुम। तुम्हारी कॉफी में एक दोस्त आता है, प्यार से हंसते हंसते जहर मिला देता है, मरेगा कौन? तुम। एक दुश्मन आता है, वो जहर मिला देता है, मरोगे कौन? तुम। सतर्क किसे रहना चाहिए? तुम्हें। कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं, वही तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें आगे बढ़ाए, और वो तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हें डीमोटिवेट करे। तुमने एक लक्ष्य रखा, बड़ा लक्ष्य, तुमने दारू पीने का तो लक्ष्य रखा नहीं, तुमने आईएएस बनने का लक्ष्य रखा, और तुम्हारे चारों तरफ के लोग आ गए कूद के, ये तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, मत कर मत कर, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। ऐसे लोग तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन? दुश्मन, याद रखना इस बात को। और अगर कोई हार्मोन्स तुम्हारे ग्रुप में, याद ध्यान से सुनना, तुम्हारे यहां ग्रुप में अगर कोई एक दूसरे को प्रपोज करने लगे, मेरे बच्चों हैं, पढ़ाई पढ़ाई करते करते अचानक तुम्हारी मोहब्बत जग गई, तो भाई साहब आप गलत लाइन पे हो, यूपीएससी तुम्हें चीर के रख देगा। ये गलती करना भी मत, अपनी भावनाओं को वहीं कुचल डालना। मोहब्बत अपने ग्रुप में नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार ग्रुप बन जाए फिर नहीं, ग्रुप से पहले तो कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रुप बनने के बाद मोहब्बत नहीं, सेलेक्शन के बाद प्रपोज कर देना मेरे बच्चों, लेकिन ग्रुप बनने के बाद नहीं। जब तक सेलेक्ट ना हो जाओ, हार्मोन्स पे नियंत्रण रखना। खराब समूह हार्मोन्स पे चलते हैं, आवेग पर चलते हैं, जोंक पर चलते हैं, बोझ बढ़ाते हैं, ईर्ष्या पर चलते हैं। ऐसा ग्रुप तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ग्रुप कैसा होगा? ऐसा होगा, प्रतिस्पर्धा पर आधारित होगा, बोझ कम करेगा, अतिरिक्त कौशल देगा, प्रेरणा देगा, और हार्मोन्स पे नियंत्रण रखेगा मेरे बच्चों। अब रोल ऑफ गाइडेंस, ये सबसे तगड़ी चीज, ये सबसे बेहतरीन चीज है, रोल ऑफ गाइडेंस। मेरे बच्चों आप याद रखना, यूपीएससी की तैयारी में कोचिंग बिल्कुल भी भूमिका नहीं निभाती है, लेकिन गाइडेंस जरूर, गाइडेंस जरूर। मेरे बच्चों क्यों, क्या रीजन होगा? सिविल सेवा की तैयारी में क्यों हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, एक गुरु की जरूरत होती है? मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। मेरे बच्चों यूपीएससी की तैयारी में क्यों एक गुरु की जरूरत होती है, आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जरा सोचो, इस प्रतियोगिता का स्तर क्या है, कौन लोग तुमसे लड़ने जा रहे हैं। सिर्फ इतना अगर समझ में आ गया ना,
तो तुम्हें खेल समझ में आ जाएगा कि गाइडेंस की भूमिका क्या है। कोचिंग नहीं मेरे बच्चों, गाइडेंस। आज मैं बताऊंगा कैसे चुनो अपने गुरु को, वो भी मेथड बताऊंगा, ध्यान से सुनो। Those who are preparing for 3-4-5 years and have not cleared even preliminary exam, ये तुम्हारा कंप्यूटर है। ऐसा इंसान, क्या आपको पता है कि मुखर्जी नगर में रह के, दिल्ली में रह के 4 साल से तैयारी कर रहा है मेरे बच्चों, लेकिन उसका प्री भी नहीं निकला है। वो लगातार सारी किताबें रट मारा है लेकिन उसका प्रीलिमिनरी भी नहीं निकला है। लेकिन ऐसा इंसान जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके साथ कम्पीट करेगा। आप तो अभी भी गए हो, 1 साल 2 साल पढ़े हुए, एक बार भी एग्जाम नहीं दिए हो, एग्जाम को देखा भी नहीं है, दूसरी तरफ 4 साल से तैयारी करने वाला ये इंसान आपसे बेटर है नॉलेज में। ये पहले लेवल का कंप्यूटर है जिससे आप लड़ने वाले हो एग्जाम में। दूसरे लेवल का कंप्यूटर कौन? ये एक ऐसा इंसान जो 3-4 बार मेंस लिख चुका है, यानी प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर गया। ऐसा इंसान जो प्री क्वालिफाई कर जाता है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हैं? लेकिन यही इंसान तुम्हारा कंपटीटर है, यही इंसान तुमसे प्रतिस्पर्धा करने जा रहा है। जब एग्जाम में बैठोगे तो ये भी तुमसे भिड़ने वाला है मेरे बच्चों, तुम्हें इससे बेटर बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे? फिर तीसरा सुनो, एक ऐसा इंसान जो 3 बार से इंटरव्यू दे रहा है लेकिन आईएएस नहीं बन पा रहा है, 2 बार से इंटरव्यू दे रहा है लेकिन आईएएस नहीं बन पा रहा है मेरे बच्चों, कहीं वो चला गया क्या मार्केट से? वो मार्केट में है, वो आपके साथ एग्जाम में बैठने जा रहा है। जो लोग 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इन लोगों से लड़ने जा रहे हैं जो पिछले 2 से 3 बार से इंटरव्यू दे रहा है। मेरे बच्चों, इनको हराना होगा, इनसे बेटर बनना पड़ेगा। लेकिन सबसे खतरनाक कंप्यूटर कौन है तुम्हारा? अभी नहीं आया, अब आने जा रहा है, जिससे लड़ाई है तुम्हारी मेरे बच्चों, असली में लड़ाई है इससे। ऐसा इंसान जो सेलेक्ट हो गया मेरे बच्चों, जो आईपीएस बन गया, जो आईआरएस बन गया, अभी कहीं पे एडिशनल एसपी की पोस्ट पे है लेकिन वो आईएएस बनना चाहता है। मेरे बच्चों, 2023-24 के अटेम्प्ट में इस इंसान से लड़ना है तुम, और तुम बिना गाइडेंस के लड़ना चाहते हो। सेल्फ स्टडी इज गुड, सेल्फ स्टडी करना है लेकिन सेल्फ गाइडेंस नहीं। अगर सेल्फ गाइडेंस करोगे तो ये तो आदमी ताबड़तोड़ है ना, इससे कैसे जीतेंगे हम? और इसलिए ज्यादातर लोगों को कई अटेम्प्ट लग जाते हैं। मेरे बच्चों याद रखना, सेल्फ गाइडेंस खतरनाक है, सेल्फ स्टडी इज गुड, सेल्फ स्टडी गुड। इसलिए मैंने बोला आपकी तैयारी में गुरु की एक जरूरत होगी। अब एक आदमी को और गुरु की जरूरत पड़ती है अगर वो अनस्टेबल माइंड है। जो इंसान स्थिर दिमाग का नहीं है, अक्सर वो अस्थिर हो जाता है, अक्सर उसके दिमाग में पढ़ते पढ़ते वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अक्सर वो पढ़ते पढ़ते कहीं और चला जाता है। ये करता है तो उसमें मन लगा रहता है, वो करता है तो इसमें मन लगा रहता है। ऐसे इंसान को जरूरी है कि वो किसी गाइडेंस में रहे। अगर आप गाइडेंस में नहीं हो तो आपका दिमाग ही आपको मार देगा मेरे बच्चों, आपका दिमाग ही आपको आगे नहीं बढ़ने देता, और किसी की तो बात छोड़। तो भाई कैसे ढूंढा जाए? चलो अब आपको क्या करना है, गुरु चुनना है, ठीक है? अभी बताऊंगा कि कैसे चुनना है, अभी बताऊंगा। आपको गुरु चुनना है लेकिन शर्त यह है कि उससे जुड़े रहना है और उस पर भरोसा रखना है। आपको गुरु चुनना है, शर्त क्या है? उससे जुड़े रहना है और उस पर भरोसा रखना है। अगर कभी कोई अर्जुन बना है तो द्रोणाचार्य उसके पास रहा है। अगर वो द्रोणाचार्य से मिले ही ना तो, अगर वो द्रोणाचार्य के पास जाए ही ना तो क्या वो अर्जुन बन पाएगा कभी? मेरे बच्चों याद रखना, अर्जुन तभी कोई बना है जब वो द्रोणाचार्य के पास में रहा है। तो अपना गुरु जब भी चुनो द्रोणाचार्य, उससे जुड़े रहो और उस पर भरोसा रखो जो कुछ भी वो बोले। अब कैसे चुनोगे आप? हाउ टू चूज योर गुरु, स्टेप 1, ध्यान से सुनना। कैसे चुनोगे गुरु, ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये स्टेप तुमने फॉलो कर लिया मेरे बच्चों तो तुम्हारी जीत तय है, तुम्हारी जीत तय है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो तुम्हारी जीत तय है। कैसे अपना गाइड चुनेंगे, कैसे अपना कोच चुनेंगे, कैसा अपना गुरु चुनेंगे? पहला, अपने चारों तरफ देखो, कोई सीबीएसई में तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो देखो आसपास, अभी भी देखो, कोई कर रहा है क्या तैयारी आईएएस की? आसपास कर रहा है क्या? देखो कोई मिला, कोई मिला, कोई मिला होगा, कोई मिला होगा। अब शर्त देखो,
अब शर्त दूसरी है, स्टेप नंबर टू, ये ऐसा बंदा होना चाहिए जो कम से कम इंटरव्यू फेस किया हो, प्रारंभिक परीक्षा निकाला हो, मेंस का परीक्षा निकाला, इंटरव्यू तक पहुंचा हो। ये जरूरी नहीं कि सेलेक्ट हो, सेलेक्ट होने से बात ही नहीं करेगा आपसे, लेकिन जो आदमी इंटरव्यू तक पहुंचा है मेरे बच्चों, ये आपका गाइड बन सकता है। देखो आसपास कोई है क्या, कोई आसपास है मेरे बच्चों, देखो कोई आसपास दिख रहा है आपको, हाँ अगर कोई है ये तुम्हारा गाइड बन सकता है, ये तुम्हारा कोच बन सकता है, पता लगाओ मेरे बच्चों, ये कोच बन सकता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला ही तुम्हारा गुरु बनेगा, एसएससी की तैयारी करने वाला नहीं, बैंकिंग की तैयारी करने वाला आईएएस के लिए गाइड नहीं कर सकता मेरे बच्चों, तुम्हें प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है वो आईएएस के लिए गाइड नहीं कर सकता, तुम्हें आईएएस के लिए सिर्फ गाइड वही कर सकता है जो आदमी कम से कम एक बार इंटरव्यू दिया हो। पता लगाओ अपने बच्चों, अपने चारों तरफ जो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, जो आईएएस की तैयारी कर रहा हो और इंटरव्यू दिया हो। तीसरा स्टेप, अब उससे बात करना जाके, सर मुझे गाइड कर दो, वो रेडी होना चाहिए आपको गाइड करने के लिए। अगर वो रेडी हो गया, भाई साहब आपको कोई फेल नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों, ये बच्चा जो खुद फेल होता है ना, इसको बहुत दुख होता है, अगर इसको कोई मिल जाएगा तो उसको वो फेल नहीं होने देता मेरे बच्चों। और स्टेप नंबर फोर, वो तुम्हें अपने भाई बहन की तरह ट्रीट करे, वो आपको प्रेरित करे जब आप निगेटिव जाओ। कैसे गुरु चुनेंगे, फिर से सुनो, स्टेज नंबर वन, अपने चारों तरफ देखो कोई आदमी है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है। स्टेज नंबर टू, उस आदमी कम से कम इंटरव्यू फेस किया हो ताकि वो तीनों स्टेज को जानता हो। स्टेप नंबर थ्री, वो आपको रेडी हो गाइड करने के लिए। और स्टेप नंबर फोर, वो स्वयं अगर तुम पुश ना करो, तुम निगेटिव हो जाओ, तो तुम्हें पुश करे, आगे बढ़ाए, जैसे अपने भाई बहन को बढ़ाता है कोई। मेरे बच्चों ये चार स्टेप आपको फॉलो करके आपको गाइडेंस में लेना ही है। अगर गाइडेंस नहीं है मेरे बच्चों तो गलतियां होंगी। आपने सुना होगा ना कि एक घर में एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, उसका छोटा भाई भी आईएएस, उसका छोटी बहन भी आईएएस। आपने सुना होगा कोचिंग चलाने वाले जो लोग हैं, ये अपनी कोचिंग में जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो कोचिंग खोल लेते, फिर इनके घर में जो तैयारी करने लोग आते हैं तो उनको ये फटाफट सेलेक्ट करा देते हैं। वाई? बिकॉज ये जानते हैं कि गलती कहां होती है मेरे बच्चों। अगर कोई इंसान ये सिर्फ कर दे, तुम्हें गाइड करने को तैयार हो जाए और तुमसे गलती ना होने दे, तो भाई साहब सेल्फ स्टडी करके आप सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ले सकते हो। कोचिंग की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, कोचिंग की जरूरत नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ में आई, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों को ये बात मैंने कह तो दी कि गाइड ढूंढो, लेकिन उनको गाइड नहीं मिल रहा है ना। मैंने कहा ढूंढो बेटा आपके चारों तरफ, लेकिन नहीं मिल रहा होगा। उन सब के लिए मैं एक ऑफर दूंगा अपने लिए, है ना, अपने लिए ये है कि अगर किसी के आसपास गाइड करने वाला कोई ना हो तो क्या वो मुझे, क्या आप मुझे, अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई बंदा जो इंटरव्यू फेस किया हो आपके चारों तरफ गाइड करने वाला, तो क्या आप मुझे अपना गुरु बनाओगे? डू यू वॉन्ट मी टू बी योर गुरु? क्या आप मुझे अपना गुरु बनाओगे? अगर आप मुझे अपना गुरु बनाने को तैयार हो तो मैं आपको ऑफर दूंगा। अब होगी ये बिजनेस वाली बात, समझ गए ना? क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तरीका मैंने बता दिया पूरा, लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ऊपर की सारी चीजें आपसे नहीं हो पा रही हैं, आप अपने दिमाग पे स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, आप अपना जो गोल है उसको सेट करके फिर से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, तो मैं आपका गुरु बनने को तैयार हूं। बताओ कितने लोग हैं, हाँ गुरु बनने को तैयार हूं मैं, बताओ भाई चाहिए? इसके लिए फिर आपको फीस लगेगी मेरे बच्चों, इसके लिए फीस लगेगी, है ना, क्योंकि मैं फ्री में गाइड नहीं करता। मैं बताऊं फ्री में गाइड मैं यूट्यूब पे करूंगा। पर्सनल अगर आप चाहते हो कि मेरा पर्सनल नंबर आपके पास हो, मैं पर्सनली आपके आंसर चेक करूं, मैं पर्सनली आपसे बात करूं, मैं पर्सनली आपसे गाइड करूं, आपके लिए डेडिकेटेड रहूं, है ना, आपको अपने भाई की तरह रखूं और आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहूं, तो भाई साहब ये फीस देनी पड़ेगी आपको, राइट? ये फीस है मेरे बच्चों आज की, ध्यान से सुनना, ये गाइडेंस की फीस है मेरे बच्चों, ये गाइडेंस की फीस है। लेकिन कितने लोगों को मिलेगा गाइडेंस? सिर्फ 20 लोगों को, आज 20 लोगों को।
20 लोगों को, आप सभी लोग क्या करें जो सीरियस हो, जिनके पास पैसा देने की काबिलियत हो, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनके पास नहीं है वो ऊपर से स्टडी करें, वो जरूर किसी न किसी को ढूंढें, लेकिन अगर आपके पास पैसा देने की काबिलियत है इतनी, ये सिलेक्शन तक की फीस है मेरे बच्चों, मैं तब तक गाइड करूंगा जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाओ। याद रखना, मैं तुम्हें जो प्रॉमिस कर रहा हूं ये भाई की हैसियत से प्रॉमिस कर रहा हूं, एक गुरु की हैसियत से प्रॉमिस कर रहा हूं, लेकिन इसमें मिलेगा क्या तुम्हें? सिर्फ गाइडेंस? नहीं, ध्यान सुनना इस फीस को, 20 लोगों को आज मिलूंगा, 20 लोगों को, और सीट बुक करेंगे शाम को। अगर आप लोग 80-85 लोग कर रहे, 80-85 लोग तो मैं नहीं ले सकता, 20 लोगों को ये ऑफर मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा, नंबर आप लोग नोट कर लेना, इसी पे आपको कॉल करके बुक करना है। अभी मैं फिर से नंबर दे दूंगा, पहले आप सोचो क्या क्या मिलेगा आपको, मिलेगा क्या क्या इसमें बेटा, पूरी कोचिंग हमारी मिलेगी तब तक जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाओगे। इसमें कोचिंग मिलेगी कौन कौन सी, देखो सिर्फ ऑप्शनल छोड़ के बाकी सब मिलेगा, प्रीलिमिनरी का जीएससी सैट, मेंस का जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ऐसे राइटिंग इंटरव्यू, सिर्फ ऑप्शनल छोड़ के ये सारी कोचिंग उतने में ही, यानी 2,00,000 रुपए की कोचिंग फ्री मेरे गाइडेंस के साथ। गाइडेंस कितनी, गाइडेंस की फीस कितनी, इतनी, इसमें मैं तुम्हारा गाइड बनूंगा, लेकिन 2,00,000 की जो फीस है कोचिंग वाली, ये फाइनेंस कर रहा है हमारा ट्रस्ट, ये ट्रस्ट फाइनेंस कर रहा है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। और सुनो, सेपरेट बैच चलेगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, कोचिंग जो होगी उसमें हिंदी वाला हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वाला इंग्लिश मीडियम में, सेपरेट बैच चलेगा। अगला, गाइडेंस ऑफ 15 से ज्यादा टीचर आएंगे मुझे सपोर्ट करने के लिए, जो आपको पढ़ाएंगे, कोचिंग जैसे चलती है वैसे चलेगी मेरे बच्चों। ये उनके लिए जो कोचिंग ज्वाइन करना चाहते, ये उनके लिए है जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं है बच्चों मैंने ऊपर बताया है गाइडेंस के लिए, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे जरूर सेलेक्ट होगे, लेकिन जिनके पास पैसा है उनको गाइड नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये ऑप्शन है। 15 से ज्यादा टीचर आएंगे क्योंकि मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं अगर सिलेक्शन, मैं अगर आपको गाइड कर रहा हूं तो मुझे पहले अटेम्प्ट में आपको आईएएस टॉपर बनाना पड़ेगा, मुझे पहले अटेम्प्ट में आपको सेलेक्ट करवाना है मेरे बच्चों। 25 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 25 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलेंगी इतने पैसे में, और 15 से ज्यादा नोट्स भेजे जाएंगे मेरे बच्चों। आपको हार्ड कॉपी में आईएएस दरबार की तरफ से नोट्स दिए जाएंगे, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। 15 से ज्यादा पुस्तकें मेरे गाइडेंस के साथ साथ कोचिंग फ्री, ये नोट्स फ्री, समझ रहे हो, ये सब कुछ आपको सिर्फ उसी पैसे में मिलेगा जो आप मुझे दे रहे हो। एक टाइम मैनेजमेंट डायरी आपको भेजी जाती है, ये मेरा पूरा रिसर्च है, इसको भर के अगर मुझे भेज दिया जाए, मेरे नालायक निकम में अगर बच्चे यहां बैठे हो तो उनको मैं बता दूं, आपको भेजना है इस डायरी में, अगर आप भेज नहीं रहे हो तो आप खतरे में हो, और मैं तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा, इसलिए जो सुन रहा है वो समझ जाए, ठीक है, खतरे में हो आप, तो आप नए हो तो आपको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप जैसे ही 10-15 दिन बीतेगा आपको इस डायरी को भेजना होगा। इस डायरी को भेजने के बाद आप फेल होना लगभग असंभव होगा आपका, क्यों? क्योंकि रात में सोने से पहले दिन भर की जितनी पढ़ाई होगी इस डायरी में आ जाएगी, आपके पूरे दिन जो कुछ भी पढ़ाई किए हो वह आ जाएगी, और आप फोटो खींच के मेरे पर्सनल नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप पे भेजते हो। मैं उस डायरी को जब देखता हूं तो मुझे आधी तुम्हारी रामलीला समझ में आ जाती है कि तुम सही जा रहे हो गलत। मेरे बच्चों, ये डायरी है, क्या कहते हैं, वरदान, जिसको कहते हैं वरदान, ये मेरे पूरे 22 साल का एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों, ये आपको मिलेगी फ्री में, इसी पैसे में, इसी पैसे में मेरे बच्चों। तो अगर अब आपको सीट चाहिए तो 20 लोगों को सिर्फ मैं अपने अंडर में लूंगा आज, ये छूट जो है वो 20 लोगों को मिलेगी, 2,00,000 रुपए का कोचिंग 20 लोगों को सिर्फ मिलेगी, सारा नोट सिर्फ 20 लोगों को ही मिलेगा, सारा जो टाइम मैनेजमेंट डायरी है वो 20 लोगों को मिलेगा, सारे टीचर्स का गाइडेंस है सिर्फ 20 लोगों को मिलेगा, और वो 20 लोगों को जो फीस देनी पड़ेगी सिर्फ इतनी देर फीस देनी पड़ेगी तब तक जब तक वो सेलेक्ट नहीं हो जाए, ध्यान से सुनना, ये तब तक जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते मेरे बच्चों, राइट। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स पे सीट बुक करनी है, सिर्फ 20 लोगों को आज लिया जाएगा, कभी कभार 80-85-90 लोग आ जाते हैं, तो आपका लॉटरी से नाम निकाला जाएगा, 20 पर्चियां निकाली जाएंगी, वो 20 पर्ची जो होगी उन्हीं लोगों को फिर कॉल जाएगा कि भाई आपकी सीट रिजर्व हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ वही लोग कॉल करेंगे जिन जो पैसा दे सकते, जो पैसा नहीं दे सकते हैं उनको, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये कोचिंग फ्री में नहीं है, गाइडेंस जो YouTube पे आएगा वो फ्री है, अगर आपको पर्सनल चाहिए होता है तो आपको पैसा देना पड़ता है बच्चों, है ना।
ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन चाहिए होगा तो आपके लिए बता रहा हूं। तो ये तब तक है जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। आपको पता है कि 2-3 लाख रुपए फीस देना पड़ता होगा ना, लेकिन आपको सिर्फ कितनी फीस देनी है मेरे बच्चों, हिंदी मीडियम में 48,000, देखो लड़कियों को सिर्फ 41,000, इंग्लिश मीडियम में 50,000 है, इंग्लिश मीडियम में जो लड़के हैं उनको 45,000। ध्यान से सुनना, ये तब तक है जब तक आप सिलेक्ट, आज के सिर्फ 20 लोगों को। अब आपको क्या करना है, इस पे फोन करना है और अपना नाम और फोन नंबर लिखाना है कि मेरे को भी सीट बुक कर लो। अगर 20 लोगों में आपका नाम आता है तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। अगर 20 लोग, आज 20 लोगों को चुना गया है, ये ग्रांड सेमिनार है पता है आपको, नहीं जनरली 10 और 15 लोग चुने जाते हैं, आज 20 लोगों को चुना जाएगा। लॉटरी में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपके ऊपर की सारी फैसिलिटी मिलेगी। मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हो मेरे बच्चों, और खुला चैलेंज होगा। याद रखना, मेरे पास आओगे तो कमिटमेंट करना रहेगा, मेरे अंडर में आना है तो कमिटमेंट करना है मेरे बच्चों, कि तब तक आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाओगे, मेरे से दूर नहीं रहोगे। 3 काम करना, पहला चूज योर कोच, बी कनेक्टेड एंड ट्रस्ट हिम, 3 रूल फॉलो करना है। मैं कह रहा हूं फेल हो गए ना तो भाई जो कहोगे सारी फीस वापस कर दूंगा यार मैं अगर फेल हो गए, लेकिन ये 3 रूल फॉलो कर लेना, चूज योर कोच, बी कनेक्टेड एंड ट्रस्ट। पहले अपने कोच को चुनो, यानी मुझे चुन लिया, मुझसे जुड़े रहना, दूर मत होना। और तीसरा भरोसा, अगर मैंने सैकड़ों लोगों को ट्रेन किया है तो मैं तुम्हें कर सकता हूं, 22 साल तक किया है तो तुम्हें कर सकता हूं मेरे बच्चों। इसलिए कह रहा हूं जिनके पास इतना पैसा ना हो देने के लिए, क्योंकि फिर भाई मैं ईगो पे लेके काम करता हूं, है ना, सारा मटेरियल देना, 10,000 के ऊपर नोट्स देने हैं, सारा कुछ आपको देना है, वो इतना मुझे करना होगा। याद रखना, ये फीस ऑफलाइन की नहीं है, ऑफलाइन में 2 लाख रुपए फीस है वही ली जाएगी, ये सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए है, ऑफलाइन वालों के लिए नहीं है, ये ऑनलाइन में दिया गया। और ये ध्यान रखना, सिर्फ वही लोग करें जो दिल्ली नहीं आ सकते, सिर्फ वही लोग इसमें बुकिंग करेंगे जो दिल्ली नहीं आ सकते, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, ये उनके लिए सिर्फ ऑफर है। हमारा ट्रस्ट फाइनेंस करता है सिर्फ उनके लिए, ठीक है ना। स्पेशली गर्ल्स के लिए, देखो गर्ल्स के लिए कितनी छूट दी गई है, देखो ध्यान से, ये गर्ल्स के लिए है बच्चों, क्योंकि गर्ल्स को लोग नहीं आने देना चाहते, शादी करने में पैसा खर्च कर देंगे लेकिन उनको पैसा नहीं देंगे। तो 41,000 से लड़कियों को रखा गया, इंग्लिश मीडियम सिर्फ 45,000, ये उन लड़कियों के लिए जो दिल्ली नहीं आ सकती, जो दिल्ली आ सकती हैं पूरा पैसा दे सकती हैं, वो दूसरे का सीट खराब ना करें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। 2 लोग मत इंक्वायरी करें जो दिल्ली आ सकते हैं, ऑफलाइन आ सकते हैं, वो इसमें ना लें, जो पैसा दे ही नहीं सकते वो भी ना करें, बिकॉज ये पैसा लग रहा है बच्चों उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो बिल्कुल वो लोग सिर्फ करें जो इतनी फीस पे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये आपको 1 टाइम नहीं देना है, ये आपको 1 टाइम नहीं देना, इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, सब कुछ हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग इसमें आएंगे उनके पास पैसे की कमी होती है, इसीलिए वो उनको ये मिल रहा है। इसका और कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक है मेरे बच्चों। अब मैं क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि कौन इंसान है जो क्वेश्चन पूछना रहा है मुझसे, एक मिनट बच्चों, बस क्वेश्चन में देखता हूं। यस, क्वेश्चन बताओ प्रिंस, सिलेबस बेटा आपको प्रिंस देखना है, जाकर के सीधा उस पर डालेंगे तो आ जाएंगे। विशाल कुमार, मैंने आपको क्या बोला बेटा, गरीबों के लिए ही है, जो पैसा इतना देना है, ये 2 लाख की फीस नहीं लग रही है आपको, सिर्फ इतनी फीस लग रही है, ठीक है ना, ये फीस उन्हीं के लिए है जो कम पैसा देते हैं, IAS की तैयारी है बेटा ना ये, है ना, और दिल्ली में है। अलीशा बेटा, इस साल 24 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, समझ गए ना। अमीशा सिंह, एक बार में नहीं देना है बेटा, ठीक है, एक बार में नहीं देना है पैसा, मैंने बताया था आपको कि इस इंस्टॉलमेंट में लगेगा, ठीक है।
देखो फिर से बता रहा हूं आपको कब तैयारी शुरू करनी चाहिए, एक बात मैं फिर से बता दूं कब तैयारी शुरू करनी चाहिए। आपको तैयारी तब शुरू करनी है जब आप ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ पास कर चुके हो, है ना। 3 साल अगर आप तैयारी करते हो संभावना पूरी है कि आप आईएएस बनोगे। लेकिन कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो उनको 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा मेरे बच्चों, है ना। जो ग्रेजुएशन के बाद आएगा उसे 1-2 साल एक्स्ट्रा और लग जाते हैं। अगर आप 12th के बाद तैयारी शुरू कर देते हो तो 3 साल टाइम होता है। अगर 4-4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, अच्छा पैसा आपको लग नहीं रहा एक्स्ट्रा, पैसा इतना ही लग रहा है ना। कोचिंग तब तक रहेगी जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, तो आपको दिक्कत क्या है, है ना। आप मेरे गाइडेंस में तब तक रहोगे जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। तो आप इसको काम को करेंगे, ठीक है। जिसको भी चाहिए वो नंबर फटाफट सीट बुक करे। अगर आपका नाम आ जाता है, अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको कॉल जाएगी, ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जानवी बेटा, अगर आप सीरियस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो आओ, हम आपका ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जय सिंह, बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं बेटा। मैंने आपको बोला अगर 12th पास हो तो आप तैयारी कर सकते हो, 12th में भी हो तो भी तैयारी कर सकते हो, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एक बार याद देखना फीस कितनी देनी है, यह फीस आपकी रहेगी, ठीक है। ये उनके लिए है जो कोचिंग करना चाहते हैं, जो कोचिंग नहीं करना चाहते हैं उनको मैंने पूरा स्ट्रेटजी बता दी है ऊपर, उसे याद रखना। लेकिन अगर आप मेरे अंडर में आना चाहते हो तो ये फीस है मेरे बच्चों, अगर आप मेरे अंडर में आना चाहते हो तो ये फीस है। उज्जवल गुरु, 24 पीपल सेलेक्ट हुए इस बार, ठीक है। जब आप इंक्वायरी करोगे तो आपको पूरा लिस्ट भेज दी जाएगी। आशीष कुमार, एक बार में फीस नहीं लगेगा बेटा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट इस पे सीट देखो, नंबर ये है, नंबर पे फोन करना है, बुक करना है। देखो 20 लोगों को ही सिर्फ मिलेगा, ऐसे बच्चे जो लोग आना चाहते हैं मेरे अंडर में, जो कोचिंग करना चाहते हैं उनके लिए, और जिनका क्राइटेरिया यही है कि वो दिल्ली नहीं आ सकते, उनके पास पैसे की कमी है, सिर्फ वही लोग करेंगे। ध्यान रखना मेरे बच्चों, है ना। ऐसे लोग ना करें जो पैसा दे सकते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल भी ना फोन करें जो पैसा दे सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं ऑफलाइन में। ऐसे लोग करें जो कम पैसे वाले हैं, जिनको फीस कम चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ वो लोग करें। ड्रॉ में नाम आएगा, सिर्फ 20 लोगों में नाम आएगा तो ही आपको कॉल जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। बीपीएससी की तैयारी हम नहीं कराते बेटा, ये सिर्फ आईएएस, हम एक ही गोल रखते हैं आईएएस, ठीक है। यूपीपीसीएस भी उसी से मिलता जुलता है, वो हो सकता है, लेकिन आईएएस ही गोल है, तो आपको आना है मेरे इंटर में, ठीक है। थैंक यू बेटा जानवी, थैंक यू सो मच। सदानंद यादव, सिर्फ एनसीईआरटी की कोचिंग नहीं होती, हमारे यहाँ कंबाइंड होती है पूरी, है ना, उसमें एनसीईआरटी भी सम्मिलित होता है। सिर्फ एनसीईआरटी की कोचिंग नहीं देते हम, सिर्फ कोई कोचिंग नहीं देते, सिर्फ पूरा ओवरऑल चलेगा बेटा। मेरे अंडर में ट्रेनिंग का मतलब होता है, देखो ये बिजनेस में कर नहीं रहा हूं, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा दूं, किसी ने ज्योग्राफी, नहीं नहीं, पूरा ओवरऑल मेरे अंडर में चलेगा, ठीक है, पूरा ओवरऑल। रोहित कुमार कह रहे सर नोट्स और टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें? मैंने आपको बताया था नोट्स और टेस्ट सीरीज का मार्केट में मुखर्जी नगर में डालो, फ्री नोट्स सीरीज, नोट्स एंड टेस्ट सीरीज, वो नंबर मिल जाएगा, वो तो आपको भेज देगा। महेश तिवारी, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बिल्कुल ग्रेजुएशन के साथ आप आई तैयारी करो, यही नियम है, यही नियम होना चाहिए, क्लियर, यही नियम है। आदिबा याश्मीन, बेटा तुम्हें मुखर्जी नगर में आप नोट्स ऐसे डालोगी ना, गूगल पे डालो, मिल जाएगा, वो भेज देगा आपको, ठीक है। विजय बरल, आप बंगाली मीडियम से हो बेटा, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, सिर्फ दो ही मीडियम है ना,
तो आप बंगाली मीडियम से अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में कंफर्टेबल हैं तब तो आप आ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं आ सकते। ठीक है, अभिषेक कुमार सर बेस्ट टाइम, ये क्लियर नहीं हो क्वेश्चन बेटा आपको। विशाल कुमार पहले 1000 रुपए में आपको सीट बुक करनी होती है अगर आपका नाम आता है 20 लोगों में, तो उसके 3-4 दिन के अंदर आपको फीस अरेंज करना होता है जो भी वो लोग बताएंगे। ठीक है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में करते हो तो इंस्टॉलमेंट देना होगा, अगर आप फुल करते हो तो फुल देना होगा। राइट, वो आप बात कर लेना, वो लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन पहले सीट बुक करने के लिए अभी आपको पैसा नहीं लगता। आपका नाम जब आ जाएगा 20 लोगों में तो पैसा लगेगा, अभी आपको इस पे फोन करने के लिए पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे लोग ही सिर्फ फोन करें जिनके पास पैसा हो, इतना हो कि वो 48-50,000 पे कर सके। लड़कियों को कम से कम 41,000 हो तभी वो कॉल करेंगी। ठीक है ना, रॉयल यादव आपको ज्वाइन करना है तो बेटा ये आप फटाफट कॉल करके सीट बुक कर लो, हो सकता है आपका नाम आ जाए। मनीषा सर मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, बीए करना है। बेटा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यही सब लेना है आपको। ठीक है, ग्रेजुएशन में यही सब लेना, ग्रेजुएशन में याद रखना बेटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, यही सब्जेक्ट है, यही लेना है। डेमो वीडियोज अगर आपको देखना है तो आप आईएएस दरबार के ऐप पे भी जा सकते हैं और आईएएस दरबार यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो पड़े हुए हैं बेटा, आप देख सकते हो उसको। ठीक है, आप डेमो देख सकते हो। अंशिका सिंह ज्वाइन की हो बेटा तो आप पूरा देखो पहले सेमिनार, है ना, अगर अभी ज्वाइन की हो तो अभी तक कहां थी, पहले पूरा सेमिनार देखो उसके बाद बात करना। अंशिका बेटा सुन नहीं पाए फिर से देख लेना ना। स्टार्टिंग में 10,000 देकर इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्रिकेट बॉय, क्रिकेट बॉय किसका नाम है, विशाल, ओके बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। अभी आपको 10,000 नहीं देना होगा, 20 लोगों में अगर नाम आता है तो आपको 1,000 देना होगा। 1,000 के बाद 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, 3 दिन आप हमारी पूरी क्लास देखो, आपको एडमिशन मिल जाता है, क्लास ज्वाइन कर लेते हो, आप मेरी ट्रेनिंग में आ जाते हो, मेरा नंबर मिल जाता है आपको। ठीक है, मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो आप, फिर 3 दिन के बाद आपको 4 दिन के बाद वो लोग टाइम दे देंगे, फिर आपको 10,000 रुपये पे करना होता है। ठीक है, पहले नहीं, 20 लोग सिर्फ आएंगे, सिर्फ 20 लोगों को मिलेगा। ठीक है, अमला यादव बेटा तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्या मैं बताओ क्या कह रहे हो। हिमांशु प्रसाद तुम्हारे लिए ये मस्ट है कि अभी तैयारी शुरू करो, जो बंदा थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में है उसके लिए मस्ट है अभी से। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप आ रहे हो तो आपका 1-2 साल फिर से खराब हो जाएगा। ग्रेजुएशन में आप उधर क्या कर रहे हो बीए, मुझे पता है भाई, पढ़ो 4-4 घंटे यूपीएससी को दो, 5-5 घंटे यूपीएससी को दोगे तो तैयारी अभी से हो जाएगी। हिमांशु बाबू बताओ, विकास क्या बोल रहे हो। काशिफा बेटा अटेम्प्ट टाइम कितना कम है आपके पास, हैं काशिफा कितनी एज हो गई आप बताना मुझे। 12th पास वाला बिल्कुल ले सकता है वरुण, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि 12th पास होने वाला मेरे अंडर में 3 साल अगर रहेगा तो उसकी संभावनाएं ज्यादा है। अच्छा, 3 साल की फीस भी यही है बच्चों, पता है आपके पास 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, तीनों की फीस यही है। अगर आप ऑफलाइन में आते हो तो आपकी फीस अलग हो जाती है। ठीक, अभी कॉल करना है, अभी कॉल करके सीट बुक करना है। ठीक है, अभी कॉल करना है, अभी सीट बुक करना है। ठीक है, सभी लोग कॉल कर सकते हैं वहां पे सीट। देखो मैंने आपको बोला कि 20 लोगों को ही सिर्फ चुना जाएगा, आप अभी कॉल करें। पप्पू यादव फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर लिखे हो, फर्स्ट ईयर में हो, अभी काम शुरू करो।
ट्वेल्थ क्लास जो पास हो गया है वो आ जाए, मेरे अंडर में 3 साल रहोगे, सिलेक्शन की संभावनाएं पूरी रहेंगी। समझ गए ना, बार बार बोल रहा हूं, 1 साल 2 साल। देखो आप आईएएस की तैयारी करना चाहते, आईएएस बनने के लिए 1 साल कम पड़ जाता है बेटा, है ना। लेकिन अगर 2-3 साल हो हमारे पास तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, प्लीज, है ना। रोहित सांडिया बिल्कुल हो सकते हो बेटा, रोहित सांडिया बिल्कुल हो सकते हो, सोंधिया बोल रहा, अच्छा रोहित सोंधिया, ओके बिल्कुल कर सकते हो बेटा, अभी से करना है यार। अगर आप ग्रेजुएशन में हो, आप तैयारी शुरू करो बेटा। ओलंपिक जैसा गेम होता है यूपीएससी, ओलंपिक, उसकी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद। बहुत सारे लोग हैं कोचिंग वाले नहीं देते हैं इसलिए वो कह देते होंगे ग्रेजुएशन के बाद आओ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप ग्रेजुएशन में तैयारी करना शुरू कर दोगे 3 साल मेरे बच्चों, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो सकते, ये इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। विकास ऑप्शनल सिर्फ इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि सबका ऑप्शनल अलग अलग होता है, किसी का सोशियोलॉजी, किसी का हिंदी, किसी का पॉलिटिकल साइंस। तो जब आप आ जाते हो ना और मेरे से बात होने लगती है, फिर मैं डिसाइड करता हूं कि कौन सा ऑप्शनल आपके लिए सूटेबल है। अब जीएस तो पढ़ना मजबूरी है, लेकिन एक ऑप्शनल पढ़ना मजबूरी नहीं होती है, इसलिए ऑप्शनल नहीं इंक्लूड किया गया इसमें। अच्छा, ऑप्शनल के टीचर भी अलग अलग कोचिंग के होते हैं ना बेटा, अपनी कोचिंग में आप छूट दे सकते हो, दूसरी की कोचिंग में नहीं, ठीक है बेटा। ये कोचिंग आपको एड्रेस लिखा होगा, देखो यहां पे मुखर्जी नगर है दिल्ली, यहां पे है एड्रेस, देखो। रोहन का नाम ले भाई, रोहन करे मेरा नाम लो, चलो रोहन तुम्हारा नाम ले लिया। और कोई क्वेश्चन तो आप लोगों, क्या फिर से बोल रहा हूं, इस नंबर पे कॉल करके आप सीट बुक करिए। ये सीट बुक करने का पैसा नहीं लगता है, लेकिन वो लोग फोन ना करें जिनके पैसा ना हो, क्योंकि इसमें आपको फीस देनी पड़ेगी बेटा, ये फ्री में नहीं है, ठीक है। तो जो सीरियस हो वो लोग फोन करें इस नंबर पे, 20 लोगों को उनमें से नाम आएगा, जब आपका नाम आ जाएगा तब आपको 1000 रुपीज पे करके नॉमिनेशन लेना होगा। जैसे ही आपका नॉमिनेशन हो जाएगा, जैसे ही आप एडमिशन यहां पा जाओगे, मेरा पर्सनल नंबर आपको दे दिया जाता है, मेरा पर्सनल नंबर आपको दे दिया जाता है, मेरे से आप बात करते हो और क्लास आपकी शुरू हो जाती है। 4 तारीख से आपका बैच शुरू होने जा रहा है नया, अभी एक बैच शुरू हो रहा है, आप उसमें डेमो ले सकते हो, उसको देख सकते हो पूरा बैच, ठीक है ना, पूरा क्लास देख सकते हो। 4 तारीख से आपका नया बैच शुरू हो जाएगा। जो लोग 20 लोग हैं सिर्फ उनकी बात कह रहा हूं मैं, जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए मुझे दुख होगा, लेकिन अब क्या किया जाए, मेरी भी सीमाएं हैं, हमें 20 लोगों के लिए ही आज मिला है जो फाइनेंस है। अगर सारे लोगों को होता तो हम जरूर करते, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं ले सकते, बाकी लोगों को मिल सकता है, लेकिन ये वाली छूट नहीं मिलेगी बच्चों, है ना। तो 20 लोग को ये छूट मिलेगी जो आज मैंने बताई है, ये जो फीस मैंने आपको बता दी है, ये वाली फीस लगेगी मेरे बच्चों, है ना। आप लोग देख लीजिएगा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, आपको सभी लोगों को इस नंबर पे कॉल करके सीट को रिजर्व कर लेना है। इस रिजर्व करने का पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपका नाम आ जाता है तो पैसा लगेगा। अगर आप सोचते हो कि आपके घर वाले नहीं राजी होंगे, पैसा नहीं देना चाहेंगे, आप कोचिंग नहीं कराना चाहेंगे, तो आप मत करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले राजी हो जाएंगे, आप तैयारी करना चाहते हो, आप पैसा अरेंज कर सकते हो, तो आप करना है, ठीक है ना। क्योंकि उन बच्चों के लिए है बेटा जो गरीब तो है, लेकिन हाँ इतनी पेइंग कैपेसिटी हो कि वो हमें दे सके, ठीक है। मिस्टर गजेंद्र निषाद ये कह रहे हैं बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए बेटा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, यही सब लेना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यही सब सब्जेक्ट लेना है, बार बार बोल रहा हूं। पप्पू कुमार कहां आना, कहीं नहीं आना होगा, घर पे बैठ के क्लास चलेगी, हमारा ऐप है आईएएस दरबार का ऐप है, कहीं नहीं आना है, घर से क्लास चलेगी। क्लास ऐसे नहीं चलती है, क्लास में आप बाकायदे टीचर से फोन पे उस पर बात कर सकते हो, बाकायदे जैसे जूम चलता है ना जूम, आप बाकायदे वहां पे बात कर सकते हो, टीचर से डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप गांव में बैठे हो तो गांव से भी आप सीधा मुझसे बात करोगे, मेरा पर्सनल नंबर रहेगा, क्लास आपकी ऑन हो जाएगी, राइट। आप बिहार से हो, आप हरियाणा से हो, लेकिन आप दिल्ली की वही कोचिंग आप पाओगे जो बाकी लोग पा रहे हैं दिल्ली में रह के मेरे बच्चों, और सिर्फ इतनी फीस में जो मैंने अभी बताई।
अंजू यादव बेटा, ये मुखर्जी नगर में एड्रेस लिखा है, देखो नीचे एड्रेस, बत्रा सिनेमा के पास, 5/4/1988। हाँ बेटा, आपका तो टाइम लगभग हो गया है। हाँ बेटा, आपका तो पार हो गया है ना, काशिफा 1988 है तो पार हो गया। यूपीएस, लेकिन पीसीएस आप कर सकती हो, यूपीएससी आईएएस नहीं, लेकिन पीसीएस कर सकती हो आप। यूपीएस वाला लड़का कब पैसा पे करना होगा बेटा? पैसा तब पे करना होगा जब आपका नाम आएगा 20 लोगों। अगर 20 लोगों में नाम नहीं आता है तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, आपका फिर एडमिशन नहीं मिलता। लोगों में नाम आ जाएगा, अगर 20 लोगों में नाम आ जाएगा तो आपको 1000 रुपीज पे करना रहेगा, ठीक है? फिर 3-4 दिन बाद बाकी पैसा पे करना रहेगा, ठीक है? श्रुति पटेल कह रही है क्या ऑनलाइन क्लास आती? बेटा ऑनलाइन ऐप है हमारा, आईएएस दरबार का ऐप है ऑनलाइन, उसी पे क्लास चलेगी। आप लोग प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? याद रखना है, जिसको भी सीट बुक करना है फटाफट कॉल करें, है ना, फटाफट कॉल करेंगे, आपका एक ड्रॉ निकाला जाएगा, सिर्फ 20 लोगों को चुनेंगे हम, 20 लोग ही मेरा नंबर पाएंगे, 20 लोग ही मेरे गाइडेंस में रहेंगे। इसलिए आप फटाफट इंतजार मत करें कि क्लास खत्म होगी तब, आप फोन करके और फिर आप आके सेमिनार देखिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। बेटा श्रुति ऑनलाइन क्लास ही है, ये ऑनलाइन है, देखो ध्यान से, ये ऑनलाइन की फीस है, ऑफलाइन की 2 लाख रुपए फीस है। ये ऑनलाइन में मेरा गाइडेंस रहेगा, मेरे अंडर में आओगी, प्लस 15 से ज्यादा फैकल्टीज रहेंगी, प्लस 10,000 से ज्यादा नोट्स मिलेगा आपको, समझ गए ना? तो ये आपका ऑनलाइन ही है, इन नंबर्स पे आपको कॉल करके सीट बुक करनी है। अगर 20 लोगों में नाम आता है तो आपको सिर्फ इतनी फीस लगने वाली, सिर्फ इतनी फीस, ठीक है? अगर 20 लोगों में नाम आता है ड्रॉ में तो, ठीक है? ओके बेटा, ये तब तक आपको पढ़ाया जाएगा इस पैसे में जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाओ, पता है? 3-4 साल, ये स्पेशल छूट है। मैं जानता हूं जो लोग अब आ जाएंगे वो पैसे वाले नहीं है, कि आपसे बार बार पैसा मांगा जाए, फिर नहीं दे पाएंगे ना बच्चे, उनसे मांगा जाता है जो दे पाए, ठीक है? वो लोग दिल्ली में रहते हैं, 2 लाख रुपए देते हैं, फिर 2 लाख और खर्च करते हैं, वो 5 लाख 10 लाख खर्च करते हैं। मैं जानता हूं सारे बच्चे इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, जो खर्च कर सकता है वो यहां पे कॉल करेगा, ठीक है? पंकज शर्मा, बैच स्टार्ट हो रहा है 4 से, प्रमोद शर्मा सर हैं, 12 किताबें लिख चुके हैं, 18 साल से ज्यादा पढ़ा रहे हैं वो, उनका 4 तारीख को बैच शुरू हो रहा है ज्योग्राफी का, लेकिन अभी जो चल रहा है वो एस के पांडे सर का बैच चल रहा है, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है, उसमें एस के पांडे सर का भी जो है 18-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी 12-14 किताबें लिख चुके हैं हिस्ट्री के बारे में, आप ढूंढेंगे गूगल पे तो उनके बारे में मिलेगा। बेटा इसी पे कांटेक्ट कर लो ऑफलाइन के क्लास के लिए भी, सेम नंबर पे, लेकिन आप बता देना कि ऑफलाइन करना है, ठीक है? सेम नंबर पे आपको ये बताना है कि आप ऑफलाइन करोगे, ऑफलाइन की फीस आपको वो देनी पड़ेगी जो मैंने बताया, ये ऑनलाइन की फीस है, ठीक है? मैं YouTube पे आता रहूंगा गाइड करने के लिए, आप लोग सभी लोग पहले तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि मैं आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, मैं आता रहूंगा बेटा गाइड करने के लिए, लेकिन पर्सनल गाइडेंस मेरा चाहिए ना, तो मेरा पर्सनल फोन नंबर आपको मिल जाता है बेटा, है ना? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अभिषेक कुमार, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बीए फर्स्ट ईयर वाले को तो अभी शुरू करना ही है तैयारी, बीए फर्स्ट ईयर वालों को तो तैयारी शुरू ही करना है अब, समझ गए ना? कृष्णा गुप्ता कह रहे हैं 6 क्लास से पढ़ना चाहिए बेटा वैसे एनसीईआरटी आपको, है ना?
आईएएस ऑफिसर सचिन क्यों नहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपकी क्लास रहेगी बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लास में तो आप मुंह से पूछोगे, डायरेक्ट माइक ऑन करो, टीचर से क्वेश्चन पूछो, आपका डाउट क्लियर करेंगे। यूपीएससी लवर मोहित कुमार, बेटा इतना पैसा लग रहा है, देखो ये बता, लेकिन ये आपकी छूट रहेगी, तो अगर आप 20 लोगों में आपका नाम आता है तो आज ड्रॉ निकलेगा, उसमें 20 लोगों में नाम आएगा, इतना इसके साथ आपको 2 लाख रुपए की कोचिंग इतने में ही मिलेगी, 10,000 के नोट्स आपको इतने में ही मिलेंगे, 15 ज्यादा फैकल्टी इसी में मिलेंगे आपको, टाइम मैनेजमेंट डायरी आपको इसी में मिलेगी, और तब तक आपको गाइडेंस मिलेगा मेरा जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है ना, ये सिर्फ लेकिन 20 लोगों को मिलेगा आज बेटा, है ना। बता दिया बेटा फीस, ये देखो अभी बता दिया था मैं। महेश तिवारी, मैं YouTube पे आता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा बेटा, आता हूं मैं, ठीक है। आईएएस ऑफिसर सचिन सर क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी नहीं पूछ सकते, आप किसी टीचर से थोड़े पूछोगे भाई आप क्या खाना क्या किया है, अपने टॉपिक से क्वेश्चन पूछोगे ना, ठीक है। तो फटाफट जिन लोगों को भी मेरे अंडर में आना है, जिन लोगों को भी मेरे गाइडेंस में आना है, वो सभी लोग इस नंबर पे कॉल करके सीट बुक करें, फीस उनको यही लगेगी। सीरियस लोग सिर्फ कॉल करेंगे, जो लोग सीरियस ना हो वो कॉल ना करें, किसी और सीट खराब ना करें, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी हो कि हाँ 48,000-50,000, 41,000, लड़कियों को सिर्फ 41,000 पे करना है हिंदी मीडियम की, सिर्फ 41,000 मेरे बच्चों, देखो लड़कियों को सिर्फ 41,000 पे करना है, और इसमें उनको तब तक गाइडेंस मिलेगा जब तक वो सेलेक्ट नहीं हो जाती। इंग्लिश मीडियम की लड़कियों को सिर्फ 45,000 पे करना है, तब तक वो जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाती हैं तब तक उनको ये सुविधा मिलेगी मेरे बच्चों। सारी कोचिंग इसी में फ्री है यार, सिर्फ ऑप्शनल नहीं है, बाकी सब कुछ है इसमें मेरे बच्चों, सब कुछ है, इंक्लूडिंग मेरा पर्सनल नंबर, मेरा गाइडेंस, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं इस पे बुक करना है सीट सभी लोगों को, जो पे कर सकते हैं सिर्फ वही, ठीक है। जिनको पे नहीं कर सकते, जिनके पास 41,000 भी नहीं होगा, वो भी इंस्टॉलमेंट में, एक बार दो बार तीन बार में पे कर सकते हो, चार बार में पे कर सकते हो, है ना। लेकिन जिनके पास उसके बाद भी नहीं पे कर सकते वो कॉल ना करें बेटा, क्योंकि वो उससे फिर क्या होगा, हम लोग भी कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। ये नंबर पे कॉल करो फटाफट। पप्पू कुमार, न्यूज पेपर कैसे पढ़े? न्यूज पेपर बेटा पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पे कमांड करना होगा, तभी आप न्यूज पेपर पढ़ सकते हो। सिलेबस का मतलब होता है पूरा सिलेबस नहीं, सिलेबस में जो कीवर्ड लिखे हैं वही, ठीक है, सिर्फ सिलेबस के कीवर्ड। फर्स्ट ईयर में हो बेटा तो मैं आपको सुझाव यही दूंगा कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हो शिवम, तो अभी से तैयारी करो, अभी से मेरे एंटर में आओ, मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। और कुछ क्रिकेट बॉय विशाल, बेटा आपका नाम फर्स्ट सेमिनार में आया था तो आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया था? एडमिशन लिया नहीं होगा तो इसमें नाम अगर आएगा भी तो लोग फिर पता नहीं कैंसिल ना करते हैं आपका, है ना। आप सीरियस हो गए तो आप एडमिशन लेना चाहिए ना, तो मजाक मजाक में नहीं करना चाहिए बेटा, किसी और की सीट खराब किया होगा आपने बेटा, है ना। तो इंक्वायरी वही लोग करें ना जिनको सीरियसली चाहिए होगा, आपका नाम आने के बाद भी अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो इस पे फिर किसी ना किसी बच्चे का नुकसान हो गया ना। विजय बरल, आप बिल्कुल कर सकते हैं, 32 साल के हैं, एससी है तो एससी का 37 साल तक उम्र होती, यानी 5 साल आपके पास है, आप कर सकते हैं। शिवम बताया दिया बेटा आपको मैंने, और किसी का क्वेश्चन? चिराग कुमार कह सर मुझे नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना है। नेक्स्ट ईयर क्यों लेना है बेटा चिराग, हैं? नेक्स्ट ईयर में क्या है? अभी जो 10th में है वो ना करें कोई भी कॉल, है ना, 10th वाले बच्चों के लिए अभी नहीं है बेटा, ठीक है।
पप्पू कुमार बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है बेटा, हैं? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। महेश तिवारी, हाँ बेटा मैंने भी एग्जाम दिया है, दो बार इंटरव्यू दिया है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बेटा? और कोई क्वेश्चन? देखो मुझे शायद सबका देख नहीं पा रहा हूं, लगता है मैं काफी ऊपर हूं क्या? अंशिका, अंशिका भी बेटा 10th क्लास में, अभी आप रहने दो। काशिफा, अगर आप ओबीसी से हो तो आपके पास फिर 35 साल एज होगा, 35 होगा तो आपके पास एक ही दो बचा होगा, आप एक बार चेक कर लेना अपनी एज को। शासन कूल बेटा, फीस ये लगेगी लेकिन सिर्फ छूट मिलेगी, तो आपका नाम आएगा तो ही मिलेगा, आपका नाम 20 बच्चों में आएगा तो ही मिलेगा, तो आपको इन पे कॉल करना है, ठीक है? मेरा नाम अजय मिश्रा है बेटा। बेटा मेरा नाम अजय मिश्रा है, बता दिया। तो सभी लोग, आप लोग फटाफट, ये डिस्काउंट ही है बेटा, जो भी फीस बताई गई ना, 2 लाख वाली फीस जो है वो आपको 48 में मिल रही है, 45 में मिल रही है, 50 में मिल रही है, ये डिस्काउंट ही है, ठीक है? ये डिस्काउंट है, 85% का डिस्काउंट है, 85%, समझ रहे हो? ध्यान से सुनो इस बात। महेश तिवारी, दो बार इंटरव्यू दिया था, इसमें चयन होता तो वहां गया होता, नहीं हुआ था। इंडिजिनस कह रहे हैं 1 साल में, बिल्कुल 1 साल में कोर्स खत्म हो जाता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो 2023 में दे रहे हो, तो 2024 में दे रहे उनका 1 साल में नहीं खत्म होगा, जो 2025 में दे रहे उनका 1 साल में नहीं खत्म होगा, लेकिन 2023 में जो दे रहे हैं उनकी तो हड्डियों का सुरमा बना के उनका खत्म कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लेट हो रहे हैं ना। और कुछ? और कोई क्वेश्चन? अभिषेक कुमार, लास्ट तक यही फीस रहेगी मेरे बच्चों, है ना? आपको कोई फीस नहीं देनी, चाहे वो फीस बढ़े घटे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है? आपको पूरी कोचिंग दी जाएगी। नाम कितनी बार बताऊं यार? अभिषेक कुमार, नहीं फीस नहीं देनी है यार, सिर्फ एक बार देनी है, सिर्फ ऑप्शनल की फीस अलग लगेगी, जीएस में आपको फीस नहीं देनी है, ठीक है? इसे याद रखना आप। डिसेबल के लिए बेटा 10 साल की छूट होती है। सायक वसु, मेरा नाम अजय मिश्रा है बेटा, बताया तो आपको। के आर म्यूजिक, बेटा आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आप फटाफट आ जाओ, आप ऑलरेडी लेट हो, ठीक है? ट्वेल्थ क्लास में आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है बेटा, आप वही पढ़ो। अगर आप तैयारी करना चाहते हो आप बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा 2 से 3 घंटा। बीए में आपको मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें लेनी है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, राइट? शिवम बेटा, अगर 20 बच्चों में नाम नहीं आएगा तो आपको फीस नॉर्मल लगेगी, वही जो 2 लाख रुपए, 1,20,000, 1,50,000, ठीक है? ऑफलाइन की फीस है 1,20,000 रुपए 1 साल का, 1,50,000 रुपए 2 साल का,
और 2 लाख रुपए है 3 साल का बेटा, ठीक है, उसमें ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल की फीस अलग है। अगर 20 बच्चों में नाम आ जाएगा तो आपको 1000 रुपए देना होगा। 2 से 3 दिन तक हमें मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मेरे अंडर में रहना है, मैं भी आपको थोड़ा समझता हूँ कि आप नालायक वालायक तो नहीं हूँ, ठीक है ना, और फिर आपको 3 दिन के बाद बाकी पैसा देना होता है, तब तक आप फीस भी अरेंज कर लेते हैं। महेश तिवारी के 1 दिन में कितनी क्लास चलती है? 1 दिन में आपकी बेटा 2 क्लास भी चल सकती है, 3 क्लास भी चल सकती है, ठीक है, 1 दिन में 2 क्लास भी चल सकती है, 3 क्लास भी चल सकती है, 1 क्लास भी चल सकती है, वो डिपेंड करेगा कितने फैकल्टीज अवेलेबल। अभी आपकी 2 क्लास चल रही है, आगे 1 चलेगी, फिर 3 चलेगी, फिर 2 चलेगी, ऐसे बढ़ता रहता है, बढ़तेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। नेहा कुमारी क्या हो गया बेटा तुम्हारा, कॉमेंट्स में नहीं देख रहा हूं, ऐसा है क्या बोली थी बोलो। पहली हब बेटा ये बिल्कुल ऑनलाइन होगा, ये सारा ऑनलाइन होगा, हमारा IAS दरबार का ऐप है, उस IAS के दरबार के ऐप पर आपकी सारी क्लासेस चलने वाली हैं। आप सीट बुक करो, कहीं छूट ना जाए, 20 लोगों में नाम आएगा तो आपका अगर ड्रॉ में तो आपको एडमिशन मिलेगा मेरे अंडर में। सीरियस होंगी तो ही आप कॉल करना, सीरियस नहीं होंगे तो कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोस बेटा आज मैंने जो भी बताया है वो सारा आपके लिए बताया, आपको आसपास देखना है कि कौन आदमी यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसको पकड़ना है, उसके गाइडेंस में रहना है। मेरे यहां आएंगे तो हमारे कुछ कमिटमेंट होते हैं, हमारे यहां तो कोचिंग वाला है ना बेटा, हमारा कोचिंग है पूरा, तो कोचिंग है तो हमें उसमें बिजनेस है ये तो, ठीक है ना। केमिस्ट्री ऑप्शन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। एलके राय फीस है 2 लाख रुपए बेटा 3 साल की, लेकिन आज जो 20 लोग आएंगे ना उनको सिर्फ इतनी फीस देनी है, सिर्फ इतनी फीस है, जो 20 लोग आएंगे ड्रॉ में नाम आएगा तो देनी है, ठीक है, वैसे फीस 2 लाख रुपए। मंगोल नमस्कार कह रहे हैं कि क्या हमें रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा? रिकॉर्डेड आपके ऐप में ही रहता है बेटा, नेटवर्क में आपको देखना होगा, रिकॉर्ड आपके ऐप में ही रहेगा। संतोष कुमार कह रहे हमें सिलेबस कीवर्ड कैसे मिलेगा? मैं इस पे यूट्यूब के इसी पे लिंक डाल दूंगा बेटा, है ना, आपको मिल जाएगा। कौशल जी कह रहे मैथ्स ऑप्शनल कहां से करें? मैथ्स ऑप्शनल बेटा देखो बहुत मुश्किल है मैथ्स का ऑप्शनल कोई कराए, अगर आप MSc हो तो मैथ्स ऑप्शनल लो, अगर आपने सिर्फ BSc किया हो तो मैथ्स ऑप्शनल मत लो, मैं रेकमेंड नहीं करता। नेहा कुमारी कह रहे मैं स्कूल पढ़ाती हूँ सर, मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ? नेहा बेटा अगर आप हमारे यहाँ करती हो तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, मान लेते हैं सुबह आपने क्लास नहीं लिया तो जब स्कूल से आओगी तब क्लास खत्म कर लो, तब डाउट पूछ लो, तब आंसर राइटिंग कर लो, टाइम तो मैनेज हो जाएगा, राइट। अगर शाम को लाइव क्लास चलती है मान लो 6:30 बजे जो कि 4 तारीख को 6:30 बजे है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, तब तो आप स्कूल में, 6:30 बजे तो कोई स्कूल नहीं चलता, 6:30 बजे बैच चलेगा शाम को, ठीक है नेहा। संतोष क्या बताना बेटा? एलके राय सर मैं चाहती हूं, अगर आप चाहते हो बेटा तो इस पे फटाफट आप सीट बुक कर लो, फटाफट सीट बुक कर लो, सिर्फ 20 लोगों को चुना जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ओनली 20 पीपल। आप लोग फोन करके और फटाफट सीट बुक करें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 20 लोग चुने जाएंगे बेटा, है ना, और ड्रॉ निकलेगा, फाइन। तो ये फीस लगेगी, सिर्फ 20 लोगों को इतनी फीस लगेगी, बाकी लोग जो जिनका ड्रॉ नहीं निकलेगा उनको 2 लाख की फीस लगेगी, ठीक है, जिसका ड्रॉ निकलेगा उनको सिर्फ इतनी फीस लगेगी। संतोष कुमार बेटा क्लास नहीं ले पाओगे तो मैंने जो स्ट्रेटजी आज बताई है वैसे तैयारी करो, ठीक है, ऊपर का पूरी स्ट्रेटजी मैंने बताई है ना आपको, क्लास नहीं ले पाओगे तो फिर कॉल करने की जरूरत नहीं है ना बेटा। सोनू
सुमित राव बेटा जो कोचिंग वाले पोस्टर लगाते हैं सारे टॉपर्स का, वो बिजनेस है ना बेटा। तुम बिजनेस करोगे तुम भी तो फोटो लगाओगे ना, है कि नहीं। लेकिन मैंने कहा सेलेक्ट वही होगा जो ऊपर के कैरेक्टर रखता है, समझ गए। ऊपर जो मैंने सेमिनार में बताया सिर्फ वही सेलेक्ट होने वाला, तो आप चिंता मत करो। तुम्हें लगता है कोई कोचिंग वाला सेलेक्ट करा सकता है? किसी को नहीं। तुम्हारे अंदर कैरेक्टर होगा, कोचिंग वाला उसे निखार देगा। और ये आप दिमाग में रखना बेटा, है ना। कोचिंग वाला फोटो लगाएगा यार, उसका बिजनेस है ना यार। आप बताओ, आप दुकान चलाते हो तो आप हीरो की फोटो लगा देते हो, वो दर्जी वाला क्या कहते हैं ट्रेलर गोविंदा की फोटो लगा देता है, हैं? गोविंदा का बाल काटता है क्या वो? तो बिजनेस वाले तो करेंगे ना अपना। बिल्कुल बीएससी पीसीएम वाले तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग चाहिए, जिनको भी सीट चाहिए, जो भी यहां पे हैं, जो भी 20 लोगों में अपना नाम चाहते हैं, वो सारे लोग इन नंबर्स पे कॉल करें और अपनी सीट बुक करें। वही लोग करेंगे जिनकी पेइंग कैपेसिटी हो, जो इतनी फीस पे कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे लिखी है। अब सेमिनार एंड होने वाला है मेरे बच्चों, है ना। तो जो भी लोग चाहते हैं कि मैं उनको गाइड करूं, जो भी लोग चाहते हैं कि फर्स्ट अटेंड में उनको मैं आईएएस टॉपर बनाऊं, वो सारे लोग, और जितना जिनके पास कम फीस देने का पैसा हो, जो ऑफलाइन आ सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग कम फीस में चाहते हैं, अपने घर पे बैठ के गाइडेंस चाहते हैं, मेरा पर्सनल नंबर चाहते हैं, वो सारे लोग इस नंबर पे कॉल करें। इनमें से 20 लोग चुने जाएंगे बच्चों, है ना। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना करेंगे। जिनको भी चाहिए वो फटाफट कॉल करें, सीट बुक कराएं। ड्रॉ निकलेगा शाम तक, राइट। और उस ड्रॉ में आपका नाम आता है तो आपको कॉल जाएगा, उसके बाद आपको 1000 रुपीज पे करना रहेगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर।